So when we were talking about the sources of Islamic law, I told you that there are four different sources of Islamic law: Quran, Hadith, Ijma, or Qiyas. Achha, according to Sunnis and Shias, believe Quran, Hadith, and Ijma are the first three sources of Islamic law. But whenever it comes to whenever it is about the fourth source of Islamic law, Sunnis believe that Qiyas is the fourth source. Lekin Shias believe that Aql is the fourth source of Islamic law. Ali Imran, mere khayal se aap diwane ho gaye. Sab khairiyat hai Ali Imran sahab. Aapko yahan se nikal dun main. क्या चाह रहे हैं आप? तो क्यास फोर्थ सोर्स है, ये सुन्नीस का मानना है, बट शियास बिलीव दैट कि फोर्थ सोर्स जो है वो अकल है. सिंस 2009 टिल डेट अकल हमारे सिलेबस में नहीं है, और वैसे भी अकल और क्यास दोनों का मतलब ह्यूमन एनालॉजी, दोनों का मतलब ह्यूमन इंटेलेक्ट और विजडम होता है. तो दोनों में बहुत माइन्यूट सा या माइनर सा फर्क था, इसलिए एग्जामिनर ने जो है वो क्यास को ही सिलेबस में रखा, अकल के बारे में सवाल पूछना बंद कर दिया, नंबर वन. नंबर टू, कल ये भी बता दिया मैंने आपको कि बिफोर 2009 एग्जामिनर यूज्ड टू गिव अस द चॉइस, और वो चॉइस ये थी कि आप जो है सुन्नीज और शियाज वाले क्वेश्चन में चॉइस आती थी. अब वो चॉइस भी खत्म हो चुकी है, वेदर इट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन अबाउट सुन्नी करेक्शन ऑफ हदीस, और वेदर इट इज गोइंग टू बी अबाउट इट इज द क्वेश्चन व्हेन द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन अबाउट शिया करेक्शन ऑफ हदीस. दोनों सूरतों में जो है वो अल्लाह आपका भला करे, आपको जो है वो सुन्नी हो या शिया हो, दोनों को क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा. एक क्वेश्चन आता है मैथड ऑफ प्रेयर का, तो मैथड ऑफ प्रेयर में वो एग्जामिनर सवाल पूछता है कि राइट डाउन द मैथड ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ प्रेयर. तो ऐसी सूरत हाल में फिर दिस इज एक्सपेक्टेड कि सुन्नीज आर गोइंग टू राइट देयर मेथड ऑफ प्रेयर, शियाज आर गोइंग टू राइट देयर मेथड ऑफ प्रेयर, जिसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, उस नमाज की सेकंड रकात में थोड़े से फर्क आ जाते हैं. फिर टाइम ऑफ प्रेयर, उसमें तो एग्जामिनर ने छूट दी हुई है कि सुन्नीज अपने हिसाब से, शियाज अपने हिसाब से लिख लें. लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि प्योरली सुन्नीज और शियाज के हैं, उसमें कोई भी जो है वो आइडियोलॉजी का अगर फर्क आ भी रहा है तो भी दोनों जो है स्टूडेंट्स को या हर मकतबा फिकर के स्टूडेंट को अटेंड करना पड़ता है. We have a lot of students from Pakistan, जो कि non-Muslims होते हैं, और उसके बावजूद वो इस्लामिक का पेपर देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अपनी आइडियोलॉजी लिखना शुरू हो जाएंगे. अगर तौहीद लिखेंगे तो वो वही लिखेंगे जो मुसलमानों का अकीदा जो कुरान हदीस में बताया गया. चारों सोर्सेज इस्लामिक लॉ में मैंने आपको बताया कि कुरान फर्स्ट है, हदीस सेकंड है, इजमा थर्ड है, और क्यास फोर्थ सोर्स है. तो चलो अब जवाब दो, थोड़ा आप भी पार्टिसिपेट करो. ये सीक्वेंस नंबर थे या प्रायोरिटी लेवल? मैंने पढ़ा दिया तो मैं सवाल पूछूं, रिविजन नहीं कराता हूँ. सीक्वेंस नंबर है या प्रायोरिटी लेवल? ये सीक्वेंस नंबर नहीं बल्कि ये प्रायोरिटी लेवल है कि इफ एनी मुस्लिम नीड्स एनी सॉर्ट ऑफ रिलीजियस गाइडेंस, द फर्स्ट बुक द मुस्लिम और ही और शी मस्ट बी कंसल्टिंग इज कुरान. हाँ, अगर कुरान में गाइडलाइंस ना मिली तो फिर हदीस, और अगर कुरान हदीस दोनों अनक्लियर हो जाते हैं तो फिर इजमा, और डायरेक्ट क्यास में नहीं जा सकते. इजमा की प्रायोरिटी थर्ड है. अगर कुरान हदीस इजमा तीनों में जवाब ना मिले तो क्यास किया जा सकता है. क्यास के बाद किसी फिफ्थ सोर्स की जरूरत इससे नहीं पड़ती. जितने भी जवाब हैं और जितनी भी कंफ्यूजन है वो क्यास तक आके सॉर्ट हो जाती है. कुरान और हदीस जो कि फर्स्ट एंड सेकंड सोर्सेज हैं, दे बोथ आर हैविंग अ कॉमन फैक्टर, बोथ आर प्राइमरी सोर्सेज. जवाब दो, प्राइमरी बोले तो, प्राइमरी बोले तो, प्राइमरी सोर्सेज सोर्स विच कैन फॉर्म द न्यू इस्लामिक लॉज इंडिपेंडेंटली. इन ऑर्डर टू फॉर्म द न्यू इस्लामिक लॉज प्राइमरी सोर्स डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ एनी अदर सोर्स. तो मतलब ये हुआ कि कुरान अगर प्राइमरी सोर्स है, कुरान अकेले लॉ फॉर्म कर सकता है, जो कि आज का हमारा पहला ही पॉइंट जो है वो कुरान की सिग्निफिकेंट लॉ फॉर्मिंग पे ही है. कुरान अकेले लॉ फॉर्म कर सकता है, जैसे कुरान ने लॉ फॉर्म किया, ओ यू बिलीव इन टॉक्सिकेंट्स एंड गैम्बलिंग आर द फिल्थी वर्क्स ऑफ शैतान. जी खिजर, आपका जवाब सही नहीं है. प्राइमरी का मतलब फर्स्ट यूज नहीं है, प्राइमरी का मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स है जो कि अकेले लॉ फॉर्म कर सके. हदीस का भी लॉ है, प्रॉफिट बी ऑन फॉरबिड ईटिंग द मीट ऑफ डोंकीज एंड म्यूल्स. तो इस तरह की अगर हम बात करेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बेटा दुरूद पढ़ लीजिएगा, मुइज़ा अल्लाह को खुश रखे, आपने मुझे दुरूद पढ़ना याद दिला दिया. बेटा आप लोग भी दुरूद पढ़ लीजिए, मैं भी आज भूल गया था, जज़ाकअल्लाह बेटा. तो यहाँ पर जो है वो प्राइमरी सोर्स कुरान हदीस है, अकेले लॉ फॉर्म कर सकते हैं. कुरान ने भी अकेले लॉ फॉर्म किया, हदीस ने भी, और आज का टॉपिक इत्तेफाक से ही कुरान हदीस की जो है वो मिक्स वर्किंग और कुरान हदीस की जो है वो इंडिविजुअल वर्किंग के बारे में. Ijma and Qiyas, which are the third and fourth sources of Islamic law, they both are having a common factor. Both are secondary sources. चले अब आप जवाब दें, secondary source बोले तो, secondary source बोले तो, dependent. Secondary source is a source that can form the new Islamic laws, but it cannot form the new Islamic law independently. In order to form the new Islamic law, the secondary source must take help from. In order to form the new Islamic law, please complete my statement. In order to form the new Islamic law, the secondary source must take help from. The secondary source must take help from. Quran and Hadith, jawab galat hai, maine kal bhi bataya tha, and nahi aa sakta. The secondary source should or must take help from
आइदर कुरान और हदीस कोई एक की मदद लेनी है, दोनों की मदद लेना जरूरी नहीं है, कुरान एंड हदीस सीखना बंद करो। अब मैं बड़ी माजर चाहता हूँ, व्हेनेवर आई चेक द आंसर्स ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर वेरी गुड टू मेंशन दैट कुरान इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ एंड बिकॉज इट्स प्रायोरिटी इज द फर्स्ट वन। लेकिन व्हेनेवर दे आर स्पीकिंग अबाउट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सोर्स, बच्चा इसके बारे में लिख ही नहीं पा रहा होता, इसलिए मैं पूरी डेफिनेशन बार बार रिपीट कर रहा होता। बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी सोर्स इज अ सोर्स दैट कैन फॉर्म द न्यू इस्लामिक लॉज इंडिपेंडेंटली, इन ऑर्डर टू फॉर्म द न्यू इस्लामिक लॉज दे मस्ट नॉट दे डू नॉट नीड द हेल्प ऑफ एनी अदर सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्स की भी डेफिनेशन बता देंगे। बच्चा लिखता है इजमा इज अ थर्ड सोर्स, इजमा इज अ सेकेंडरी सोर्स, बस अरे एक्सप्लेन तो करो यार उसको, इजमा इज दी सेकेंडरी सोर्स इस्लामिक लॉ। अगर इजमा क्यास की बात हो रही है, which means that it is a dependent source, in order to form the new Islamic laws, it is dependent on the primary sources, which means that to form the new Islamic law, ijma has to take help from either Quran or Hadith. Secondary source, wo source hai, jo ke akele law form nahi kar sakti, law form karne ke liye, secondary source ko lazmi madad leni hai, primary source se, ya to Quran se madad le, ya phir Hadith se. Chalo, sawal ka jawab do. Agar qiyas Quran se madad leke form kare, अगर क्यास कुरान से मदद लेके लॉ फॉर्म करे तो टॉपिक का नाम क्या बनेगा? इफ क्यास इज टेकिंग हेल्प फ्रॉम कुरान एंड फॉर्मिंग अ न्यू इस्लामिक लॉ देन व्हाट वुड बी द नेम ऑफ द टॉपिक? अगर क्यास कुरान से मदद दे तो टॉपिक का नाम बताओ। इट शुड बी द रिलेशन बिटवीन कुरान एंड क्यास, जो कि हमारे सिलेबस का एक सेपरेट टॉपिक है, नवंबर 2010 में पार्ट बी में असेस हुआ था। सो एनीवेज, फिर हमने आपसे बात की, मैंने कहा यार बेटा हमारे पास जो है वो यूजुअली ओ लेवल्स का स्टाइल ऑफ लर्निंग ये है कि हमारे पास कभी क्वेश्चन 2.5 का, कभी 5, कभी 10 मार्क्स का आता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग जो है वो एज अ ओ लेवल स्टूडेंट हम लोग रट्टा नहीं मारते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ बुलेट्स याद कर लेते हैं और जो उसकी जो फर्दर जो सपोर्टिंग पॉइंट्स या फर्दर डिटेल्स, इलस्ट्रेशंस, एक्सप्लेनेशंस या एक्सटेंसिव डिटेल्स होती हैं वो हम रीड रीड करके या रिटन प्रैक्टिस करके चले जाते हैं और उसको अपनी जो है वो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स को और अपनी कॉम्प्रीहेंशन को यूज करते हुए अपने हिसाब से लिख लेते हैं। बस एक बात का ख्याल है, जैसे कल एक सवाल भी आया था कि सर मैं अपने रेफरेंस के जो है वो जो वर्डिंग से चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आई से ये ऑब्वियसली इसकी इजाज़त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी जरूरी नहीं कि आपको मेरी वर्डिंग में ही आंसर लिखना है, नोट्स की वर्डिंग आपकी हो सकती है। और एक चीज जो मैंडेटरी है वो ये कि आप सीक्वेंस ही चेंज कर सकते हैं। यस यू कैन ऑल्सो चेंज द वर्डिंग ऑफ अ बुलेट पॉइंट, जो मेन पॉइंट है आप उसकी भी वर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन मेरा बच्चा आप कभी सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, Prophet became the Rasul, then he preached secretly, then he went for the open preaching, and then he encountered opposition and persecution. Sequence bhi change ho sakti na, wording aapki hongi, bullets ki wording bhi change kar do, baaki wording bhi, meanings wahi hone chahiye, matlab wahi nikalna chahiye, sequence change mat karna, kyunki sequence ka ek alag alag portion hota hai. Lekin kabhi kabhar kuch questions aise hain jinki sequence change ho sakti hai, जैसे इसमें कोई इवेंट्स की हैपनिंग सीरीज से नहीं आ रही है तो वो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो खैर है। जैसे ये वाला आज का टॉपिक है, इसमें सीक्वेंस का ख्याल रखना जरूरी नहीं है, आप इन पॉइंट्स को ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट वर्जन वही सीक्वेंस होती है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वी आर सपोज टू मेमोराइज द बुलेट्स ऑफ द मेन पॉइंट्स हैं, और जो हमारे पास जो है अल्लाह का भला करे सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपने उनको रीड करना होता है, याद नहीं करना होता। कल मैंने आपसे कहा कि बेटा ये चार बुलेट जो बुलेट्स कुरान के, चार बुलेट्स हदीस के, जिसमें से एक हमने कवर कर लिया है। कुरान इज अ मेजर सोर्स ऑफ गाइडेंस, कुरान ऑफर्स गाइडेंस फॉर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, Quranic laws are indestructible, Quranic laws are beyond challenging. फिर आपने जो है वो हदीस वाले पेज पे जाके काम किया, हदीस के आपने चार बुलेट सीखे थे, हदीस इज अथॉरिटी ऑफ कुरान, बीच में लाइन्स छोड़ी हुई जिसमें हम सपोर्टिंग पॉइंट्स आज फिल करेंगे, हदीस एक्सटेंड्स कुरानिक लॉज, हदीस इज यूज व्हेन कुरान इज साइलेंट। मैंने कल सवाल पूछा था, जवाब दो, हदीस इज यूज व्हेन कुरान इज साइलेंट। यस, हदीस कैन एस्टैब्लिश अ न्यू इस्लामिक लॉज व्हेन कुरान इज साइलेंट। हाउ इज इट पॉसिबल? हदीस कुरान के साइलेंट होने पे लॉ क्यों कैसे फॉर्म कर सकती है? व्हाई, हाउ इज इट पॉसिबल? Because hadith is primary source, very nice. अगर hadith primary है तो hadith independent है, तो hadith इसका मतलब अकेले law form कर सकती है। फिर आखिरी point था कि hadith also provides interpretation, यानी तफसीर of key verses of holy Quran. अब इन दोनों को लेके चलते हैं। अच्छा, अगर आपको मेरी कल की discussion याद रही हो, मैं एक छोटी सी बात आपसे आपको जो है वो कल जो है वो highlight कराना भूल गया था। मैं जब कल आपसे बात कर रहा था, मैंने इतनी सारी situations आपके सामने रखी, मैंने आपको दिखाया कि इन इन situations के हिसाब से law form होता है। तुम कोई भी सिचुएशन उठा के देख लो, कोई भी सिचुएशन उठा के देख लो, ये ए हो, बी हो, सी हो,
या डी ई या जी और एच ओ, क्योंकि ये वाली दो सिचुएशन रॉन्ग थी ना जो हमने एफ और आई डिस्कस की थी। किसी भी सिचुएशन में देखना एक बात बड़ी कॉमन है और वो ये, जब भी लॉ स्टैब्लिश हो रहा है, जब भी लॉ की फॉर्मेशन हो रही है, प्राइमरी सोर्स इज इन्वॉल्व। इस सिचुएशन में सिर्फ प्राइमरी सोर्स इन्वॉल्व है, इसमें भी प्राइमरी सोर्स इन्वॉल्व है, इसमें दोनों प्राइमरी सोर्सेज इन्वॉल्व है। इस सिचुएशन में इजमा लॉ फॉर्म कर रहा है लेकिन किसकी मदद से, प्राइमरी इन्वॉल्व है। इसमें भी इजमा ने लॉ फॉर्म किया लेकिन प्राइमरी की मदद से, यहाँ भी कुरान इन्वॉल्व, यहाँ भी हदीस। तो एक बार अपने दिमाग में अच्छे से यूं बिठा ली कि जो कि आपने भूलनी नहीं, जब भी इस्लामिक लॉ की फॉर्मेशन होगी प्राइमरी सोर्सेज इन्वॉल्व होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी फाइनल्स में सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ का क्वेश्चन आएगा प्राइमरी सोर्सेज दिखनी होंगी। Let me just assure you, even if you are writing the 10 marks answer for इज्मा और क्यास, अगर आप इज्मा क्यास का भी आंसर आ जाए 10 marks का वो अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो पहले आप प्राइमरी सोर्स सीखोगे, क्योंकि इज्मा हो या क्यास हो वो प्राइमरी के बगैर लॉ फॉर्म नहीं कर सकता। तो जो भी मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग अपने पास बिल्कुल संभाल के रखनी है, ये एक्सेस आपके पास रहेगा, मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह रिमूव नहीं करूंगा जब भी इसकी रिकॉर्डिंग लगाऊंगा। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में है, कोई भी सोर्स आ जाए आज की क्लास लाजमी आएगी। 33% चांस होता है पेपर 1 में और पेपर 2 में भी 33% चांस होता है कि सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ का 14 मार्क का क्वेश्चन, 10 और 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाए। और जब आएगा तो आज की क्लास जो डिस्कस हो रही है लाजमी आपके अप्रैल मई के एग्जाम्स में डिस्कस होगी, पेपर 1 में नहीं तो पेपर 2 में आएगी। तो मैं आपको पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, पहले से मैं आपको ये फोरटेलिंग दे रहा हूँ, जो मुनासिब चीज तो नहीं है लेकिन एक अंदाजा बता रहा हूँ कि शायद ये सवाल आएगा, जो भी आएगा उसमें आज की क्लास डिस्कस होगी। तो लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स प्राइमरी सोर्स की डिस्कशन। तो हमने जो 8 पॉइंट सीख दिए थे उसमें से मैंने बच्चा, मैंने आपको पहला पॉइंट कल कवर करवा दिया था। मैं रेफरेंस पूछूंगा, जिसको याद है वो पहले से टाइप करना शुरू कर दे, वरना फिर मेरे से सुनने की बात देखना। तो मैंने आपको बताया कि बेटा कभी ये 2.5 मार्क्स का, कभी ये 5 मार्क्स का, कभी ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 2.5 मार्क का क्वेश्चन है तो यही चार बुलेट्स को लिखेंगे लेकिन इलस्ट्रेशंस कंसाइज हो जाएंगी। 5 मार्क्स का आंसर होगा तो बुलेट पॉइंट्स तो यही रहेंगे लेकिन उसकी इलैबोरेशंस और इलस्ट्रेशंस थोड़ी सी ज्यादा हो जाएंगी। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो पॉइंट्स मेन तो 4 बुलेट्स यही रहेंगे और उनकी जो इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स और एक्सटेंसिव डिटेल्स वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो एट टाइम्स दिस आंसर इज गोइंग टू बी 10 marks for 10 marks answer, it means कि आपको super extensive या stretch answer लिखना है। If it is going to be assessed for 5 marks, Quran या hadith, तो medium length answer लिखना है। और कभी इसको 2.5 marks के लिए concise या compressed sense। इसके सवाल कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से होंगे, वो मैं आपको फिर topic के end में लिखवाऊंगा। अब हमने कल एक point discuss किया, Quran is a major source of guidance, इसको बहुत ज्यादा elaborate नहीं कर सकते, तो इसको यूं ही बताएंगे। Whenever Muslims need any type of religious guidance, the very first book Muslims consult is Quran, which is the first and primary source of Islamic legal thinking. Quran is also the primary source, which means that Quran is an independent source which can make laws independently without taking help from any other source. Now the question was, ठीक है, Quran एक source of guidance है, पर क्या Quran एक source of legal thinking के तौर पे, एक legal source of legislation के तौर पे use हो सकती है या नहीं? तो लीगल सोर्स वही होगी विच इज परमिसिबल, और परमिसिबल सोर्स वो है जिसकी परमिशन अल्लाह या अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हो। तो क्या कुरान एक लीगल सोर्स है इस्लामिक लीगल थिंकिंग में यूज हो सकती है? जी हाँ, क्योंकि उसकी परमिशन अल्लाह पाक ने दी। इन सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 व्हेन अल्लाह सुभान व तआला स्टेटेड अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रायबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन। चलो सवाल पूछता हूँ, देखते हैं कितने चौकन्ने और कितना अच्छा रिवीजन चल रहा है। अलिफ लाम मीम का मतलब बताओ। जवाब पप्पू आना चाहिए, हमने शुरू में बड़ी मेहनत से पढ़ा। अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है? कोई नहीं जानता, क्यों? अब ये बताओ क्यों? इसका जवाब किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ये मुतशाबिहात की वो कैटेगरीज है विच कैन नेवर बी अंडरस्टूड। व्हाई दे कैन नॉट बी अंडरस्टूड, व्हाई दे कैन नॉट बी अंडरस्टूड, because they haven't been explained by Allah and His Messenger. Very nice, he said. चलो थोड़ा जगा के भी देखना चाहिए ना यार, पीछे का याद है भी कि नहीं है, बस है भी, बस चलती चली जा रही है रेलगाड़ी हमारी। तो सूरह बकरा वर्स नंबर 2 ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ में अल्लाह पाक फरमा रहे, This is the book and it is guidance for those who fear Allah. This is the book and it is guidance for those who fear Allah. ये बात कल हो गई थी, अब हम बिल्कुल नए पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। मुझे आपके जवाब मिल चुके, अल्लाह आपको खुश रखे, आपके जवाब बिल्कुल ठीक हैं, आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा है। अब मैं आगे जा रहा हूँ, ये मेरा आज का एक लेंथी पॉइंट है, आप सिर्फ थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनते रहेंगे और उसके बाद ही आप जो है वो
अपने सवाल करेंगे या पार्टिसिपेशन आपकी जब मांगी जाएगी तब आपकी पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड होगी. एनीवेज, कुरान ऑफर्स गाइडेंस फॉर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. नाउ दिस इज गोइंग टू बी द डिसीजन टर्निंग पॉइंट फॉर योर 10 मार्क्स आंसर. जो स्टूडेंट जो है इस पॉइंट को अच्छा एक्सप्लेन कर पाएगा वही स्टूडेंट इस आंसर को, कुरान वाले पोर्शन को, कभी एक्सटेंसिव, कभी मीडियम लेंथ और कभी कंसाइज लेंथ का आंसर कर पाएगा. इस पॉइंट पे आप ज्यादा खेल सकते हैं और यही पॉइंट कभी 3 पेज का, कभी 1.5 पेज का और कभी 1/2 पेज का भी हो सकता है. ये कैसे होगा ये हमारी थोड़ी देर की बात की डिस्कशन है. पहले हम देखिए तो सही इसको एलैबोरेट कैसे कर सकते हैं. अच्छा, व्हाटएवर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू गाइस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट, 70-75% बातें आपको पहले से पता है. इंसान को थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस सही होता है, इस्लाम पढ़ रहे हैं, इस्लामियात पढ़ रहे हैं, मुसलमान है, आधी ज्यादा चीजें पहले से पता है. तो कभी चीजें मेमोरी में होती है, टीचर को बस उसको फ्रंट मेमोरी में लाने की कोशिश करनी होती है. तो इट इज जस्ट गोइंग टू बी अ रिकॉलिंग फैक्टर फॉर यू इंशाल्लाह. मैंने जो है वो कुरान ऑफर्स गाइडेंस फॉर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मैंने जो है वो कुरान को पूरी दुनिया की मजहबी किताबों से किया कंपेयर. कुरान है, इसी तरह से तौरात है, आपके पास इंजील मौजूद है जिसको आप गॉस्पल कहते हैं या जिसको आप तौरा बोलते हैं. फिर हमारे पास हिंदुइज्म और हिंदू मत की किताबें मौजूद हैं, गीता है, महाभारत है, वेद है. तो हमने बहुत सारी किताबों के साथ जो है वो कुरान को कंपेयर किया. जब मैंने कुरान को दुनिया की तमाम मजहबी किताबों से कंपेयर किया, आई केम टू नो कुरान इज जस्ट एन ऑर्डिनरी बुक. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. मैं कुरान को 2 बार कंपेयर कर रहा हूँ. इन आफ्टर माई फर्स्ट कंपेरिजन विच वॉज अ जनरल कंपेरिजन, आई केम टू नो कुरान इज जस्ट एन ऑर्डिनरी बुक. फिर मैंने कुरान को दोबारा एक स्मार्ट कंपैरिजन के या डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट से मैं जब उसको कंपेयर किया, सो आई केम टू नो कि ऐसी किताब ना कभी जो है जमीन पर थी, ना अभी है इसके अलावा, ना तो कयामत तक दोबारा कभी होगी. तो ये दोनों कंपैरिजंस के अगर आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे तो ये पॉइंट तो आप मेरा बच्चा बिल्कुल जो है वो 3-3.5 पेज तक भी ले जा सकते हैं, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एट टाइम्स हम इसको 1 पेज का, 1/2 पेज का या लेस देन 1/2 पेज का फ्यू लाइन का ये पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे. मैंने जब कुरान को खोल के देखा तो कुरान में मुझे क्या मिले, कुरान में मुझे मिले रिलीजियस लॉस. जब द मोमेंट आई ओपन द बुक कुरान, मैंने कहा यार ये कुरान एक किताब है, ये है क्या इसके अंदर. तो मुझे मेरा बच्चा उसमें जो मिला ना सबसे पहला पोर्शन वो मिला रिलीजियस लॉस. अच्छा, कुरान के रिलीजियस लॉस जो है वो क्या है वो आप मेरे साथ याद कर लो. नमाज पढ़ें, रोजा रखें, जकात दें, हज करें. कुरान में रिलीजियस लॉस है जैसे कि याद करने पड़ेंगे आपको. नमाज पढ़ें, रोजा रखें, जकात दें, हज करें. जी टाइप करने जब याद हो जाए. कुरान के रिलीजियस लॉस क्या है, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, जकात दें, हज करें. कुरान के रिलीजियस लॉस क्या है, नमाज पढ़ें, रोजा रखें. अभी ये टाइपिंग को जल्दी होनी चाहिए क्योंकि वो SMS वाली जबान आ गई ना. नमाज पढ़ें, रोजा रखें, जकात दें और हज करें. तो कुरान में रिलीजियस लॉज हैं. टाइपिंग आपकी हो जाएगी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा ताकि मुझे इस बार की सर्टिनिटी हो कि आपको याद हो गया. नहीं सर, 5 पिलर्स और सामने मैंने 4 पिलर्स बोले हैं. आप अपनी जो है वो सियासत अपने पास रखें. तो कुरान में बहुत सारे रिलीजियस लॉज हैं, उनमें से 4 रिलीजियस लॉज आपने मैंने डिस्कस किए. नमाज पढ़ें, रोजा रखें, जकात दें, हज करें. नमाज पढ़ें, रोजा रखें, जकात दें और हज करें. ठीक है जी, कुरान के रिलीजियस लॉज हमें पता चल गए. मैंने फिर दूसरी मजहबी किताबें देखना शुरू की. यार देन आई ओपन द अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स इन बुक्स. आई केम टू नो यार जो चीज कुरान में है वैसी ही बातें बाकी बुक्स में भी है. जितनी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और हैं उनमें भी रिलीजियस लॉज मौजूद हैं. अब मैंने जब बाइबल खोली तो बाइबल में लिखा है यू हैव टू कम टू द चर्च ऑन एवरी संडे, एटलीस्ट ऑन संडेज. And you should be confessing for your sins first before the Pope, the monk or the father. And then you should also be confessing for your sins and you should seek repentance from the 3 Godheads. Hazrat Isa, Allah aur ek sect mein Hazrat Maryam se maafi mangni padti hai aur ek Christian sect hai jisme Hazrat Jibril se maafi mangni padti hai. To main Christians ki jab book kholta hu Bible jisko aap Injil bolte hain, mujhe usme bhi kya mile religious laws. Quran mein religious laws hain, Injil mein bhi religious laws hain. Baat to same ho rahi hai. फिर मैंने जी तौरात खोल के देखी तो ज्यूस की जो ज्यूडिज्म के फॉलोअर्स हैं उनकी किताब में रिलीजियस लॉज मिले. अब ज्यूस की किताब में है कि भाई जैसे मुसलमान टोपी पूरी पहनते हैं वो टोपी आधी पहनते हैं. आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा मुसलमान दाढ़ी बढ़ा के मूछे काटते हैं, ज्यूस दाढ़ी भी बढ़ाते हैं मूछे भी बढ़ाते हैं. मुसलमान बाल बढ़ाते हैं लेकिन ज्यूस बाल बढ़ाने के साथ फिर बालों को कर्ल भी कर लेते हैं थोड़ा सा, वो जो पार्लर में जाके जमाना पड़ता है शायद. तो इस ध्यान में जैसे हमारे ज़िबा करने के टाइम पे पढ़ना जरूरी है बिस्मिल्लाह, तो ज्यूस के यहाँ भी तकबीर के बगैर अगर वो गोश्त कटेगा तो वो हराम काउंट होता है.
तो जैसे हमारी किताब में रिलीजियस किताब कुरान में रिलीजियस लॉज हैं, ज्यूज की क्रिश्चियन की किताब में भी रिलीजियस लॉज हैं, फिर गीता वेद महाभारत में और बुक्स खोल के देखी तो उनमें भी रिलीजियस लॉज मौजूद हैं। यू शुड बी विजिटिंग द यू नो द टेंपल, यू शुड गो टू द मंदिर, यू शुड बजाओ द घंटा, एंड देन यू शुड बी ब्रिंगिंग समथिंग टू ईट, समथिंग टू ड्रिंक, और वो चढ़ावे आप चढ़ा देंगे। जैसे कि एक वो खाना एक जो है वो भगवान दिखाया जाता है, उसके ऊपर बहुत सारा दूध डाला जाता है और वो जनाब दूध की नदियां बहरी होती हैं। तो जब भी मैं कोई भी मजहब की किताब उठा के देख रहा हूँ उसमें मुझे मिल रहे हैं रिलीजियस लॉज। कुरान में क्या मिल रहा है? रिलीजियस लॉज। लाले एक बात समझ में आ गई, कुरान हो या कोई भी मजहबी किताब हो, सब में सीन हो रहा है सेम सेम। और सेम सेम सीन क्या है? हर रिलीजियस बुक में लिखे हुए हैं रिलीजियस लॉज। तो यूं कुरान एक ऑर्डिनरी किताब साउंड कर रही है, क्योंकि व्हाट एवर इज मेंशन इन कुरान, व्हाट एवर द स्कोप इन द टॉपिक ऑफ कुरान, इट इज ऑल्सो द टॉपिक विच इज ऑलरेडी मेंशन इन द अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर जो कि कुरान से पहले आई थी। तो यार व्हाट मेक्स कुरान डिस्टिंक्टिव, व्हाट मेक्स कुरान यूनिक, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट कुरान, तो वो मुझे पता चला जब मैंने कुरान को दोबारा कंपेयर किया एक डिफरेंट एस्पेक्ट से, एक नए जो स्कोप से, पता चला कि लाले ऐसी किताब ना थी ना है ना कयामत होगी, बिकॉज all the other religious scriptures they offer religious laws alone and they offer only religious laws. Quran is the only religious scriptures, Quran is the only religious scripture that not only offer laws for religion, it offers guidance for every aspect of life. Quran offers guidance for every topic of life. Quran offers guidance for every walk of life. जनाबे वाला, कुरान में सिर्फ religious laws नहीं है, कुरान में religious laws के अलावा social laws हैं, moral social laws के अलावा यहाँ पर financial laws हैं, political laws हैं। एक तो मैं बोलता जो है वो तेज हूँ, लिखता मैं slow हूँ, मुझे ये चीज बड़ी चिड़ में डालती है। कुरान में religious laws के अलावा social laws हैं, financial laws हैं, political laws हैं, कुरान में जनाब state laws हैं, और कुरान में मॉरल और एथिकल लॉज भी मौजूद हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, देखो ये पोर्शन पर टेंशन नहीं पालना क्योंकि इसकी मेजॉरिटी बातें मेरा बच्चा तुम लोग को पहले से याद है, कोई नहीं होगी तो हम है ना आपको याद कराने के लिए। अब बताओ कुरान के रिलीजियस लॉज क्या हैं? कुरान के रिलीजियस कुछ लिखना नहीं है, अभी सिर्फ सुनना है, लिखाऊंगा मैं आराम से आपको बाद में। कुरान के रिलीजियस लॉज क्या है? नमाज पढ़ें, रोजा रखें, ज़कात दें, हज करें। नमाज पढ़ें, रोजा रखें, जकात दें और हज करें। ये लॉज याद कर लेना क्योंकि ये पॉइंट पे सबसे ज्यादा खेलोगे तुम, कभी इससे स्ट्रेच करोगे आंसर को, कभी इससे जो है वो कंप्रेस करोगे। अब कुरान का एक सोशल लॉ है, अगर सोशल लॉ याद करना है तो सोशल लॉ जो बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी याद आता है। अच्छा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नमाज, रोजा, जकात, हज, ठीक है ना? आपने कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ जो है टाइपिंग करनी है। अभी अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, कुरान का सोशल लॉ याद करते हैं, ये सोशल लॉ लड़कों को बड़ा पसंद है। Surah Nisa chapter number 4 verse number 3, marry the woman of your choice 1 2 3 or 4, if you cannot deal justly between them marry only one. ek do teen ya char shaadiyan kar lo lekin agar tum unme insaaf na kar sako to fir tum shaadi ek hi kar lo. chalo koi aur social law batate hain, ye bataiye sharab peena halal hai ya haram? sharab peena halal hai ya haram? haram, theek hai. What about the gambling and the games of chances? Are they permissible or forbidden? Gambling and the games of chances, ये हलाल है या हराम? हराम। चलो अब एक बात बताओ, मैं देखता हूँ किस बच्चे को याद है, ये शराब के बारे में और gambling के बारे में आप लोगों ने एक आयत मुझसे पढ़ी थी। एक किसी को नंबर अगर याद है बस आयत का नंबर बता दे या सूरह का नाम बता दे, क्योंकि ये आयत मैं आपके साथ मुस्तकिल डिस्कस करता हूँ, बार बार आ रही होती है। 2:22 नहीं है, 5:90 इज द करेक्ट आंसर। 5:90 में अल्लाह पाक ने फरमाया, Oh, you who believe, intoxicants and gambling are the filthy works of shaitan. Get away from them so that you may prosper. अब बताओ चोरी करना हलाल है या हराम? चोरी करना। तो ये मैंने कोई नई बात तो नहीं की ना, जवाब आप दे रहे हो बेटा। शराब हो, about if it is about the theft or stealing or if it is about the you know consuming intoxicant or any sort of intoxication or if it is about gambling, they all नाजायज और हराम। और शादी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हो ना पढ़ाया, ये बात तो आप पहले से रिसर्च करके गूगल करके बैठे हो कि आप एक दो तीन या चार शादियां कर सकते हैं अगर आप मर्द हैं। औरतें कर सकती हैं, लेकिन औरतें हर टाइम एक ही शादी कर सकती हैं। चलें जी, सोशल लॉ भी आपको पता है। मुझे शर्मिंदा मत करना, मैंने एक क्लास के 8 मिनट आपके साथ लगाए थे ये आयत याद कराने में। कुरान का फाइनेंशियल लॉ मैंने आपको बताया था, इफ यू आर एन एसकेचियन तो खुर्रम हुसैन का स्टूडेंट होने की दलील ये है कि आपको ये आयत याद होनी चाहिए। जो लेट आए मैं उनसे शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ रहे हैं उनको आयत याद होनी चाहिए। फाइनेंशियल लॉ बता दीजिए मुझे कुरान का, पूरी आयत लिख के देंगे आपसे।
नहीं हारे सर जवाब पता है ना, अटक गए हैं, अब रिविजन कच्चा भी हो गया थोड़ा सा. दे से ट्रेड इज लाइक इंटरेस्ट बट अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड एंड फॉरबिडन इंटरेस्ट. दे से दे जीव से, आयशा ने ऑलरेडी टाइप कर दिया, अलीशा राशिद ने टाइप कर लिया, इनको याद था. दे से ट्रेड इज लाइक इंटरेस्ट बट अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड एंड फॉरबिडन इंटरेस्ट. दे से ट्रेड इज लाइक इंटरेस्ट बट अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड एंड फॉरबिडन इंटरेस्ट. दे से ट्रेड इज लाइक इंटरेस्ट बट अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड एंड फॉरबिडन इंटरेस्ट. कारोबार हलाल है क्योंकि उसमें प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं, लेकिन सूद हराम है क्योंकि उसमें सिर्फ प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं होता है. चले जी, ये फाइनेंशियल लॉ भी आपको याद कराया था, सिर्फ मैं रिमाइंड करवा था कि आपकी जो है वो जो मामला जो है वो मुनासिब रहे. कुरान में पॉलिटिकल लॉज भी मौजूद हैं. If your leader is righteous and God-fearing, you should obey your leader. But if your leader is Ganju Panju Namaz Sharif, then what you should be doing that? I mean, Ganju Panju Namaz Sharif to bolna, but if your leader is not righteous, if your leader is not God-fearing, if your leader is doing innovations and bid'ats, if your leader is doing against Quran and Sunnah, then what are you supposed to do? You must disobey your leader, na? Phir to aapne jo hai wo ek bachcha nikla kick him out nahi karenge. You need to criticize the leader. You need to protest against the leader. You need to help the leader to realize his or her mistakes. Aur uski baad mein leader ko agar wo phir bhi nahi sudharta hai, then you should be changing the leader and you should be bringing something better like Imran Khan or whatever. Main political baatein nahi karta, woh Imran Khan ke khilaf bahut sare log rehte hain. So if the leader is righteous and God fearing, you should obey your leader. If the leader is not righteous, if the leader is corrupt, you should criticize. You should help him to rectify the policies. Otherwise, you should change the leader. इसके बारे में अल्लाह पाक जो है वो सूरह निसा में या मुस्तकी सूरह माईदा की आयत है, ओ यू बिलीव ओबे अल्लाह ओबे हिज मैसेंजर एंड दोज हु आर इन अथॉरिटी. तो ये आयत मैं आपको कल वाली क्लास इजमा में याद कराऊंगा, अभी मैंने याद नहीं करवाई तो इसको छोड़ दें. लेकिन पॉलिटिकल लॉज मौजूद हैं जिसमें अल्लाह पाक कहते हैं यू नीड टू ओबे और यू मस्ट ओबे द राइटियस लीडर. कुरान में स्ट्रीट लॉज भी मौजूद हैं. अब स्ट्रीट लॉज में आप जरा एक बात ध्यान से सुनना, मैं आपको जिंदगी में एक सीख देने लगा हूं यहां पर, क्योंकि पढ़ने लिखने का फायदा ये है कि आप आतंकवादी मत बन जाइएगा. कुरान का स्टेट लॉ समझना. इफ वी हैव अ नेबरिंग स्टेट लाइक इंडिया, इफ वी हैव अ नेबरिंग स्टेट लाइक इंडिया, इफ द नेबरिंग स्टेट इज पीसफुल, वी आर डबली पीसफुल. अब कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया या मुसलमानों की दूसरी स्टेट का पीस के लिए हमें अमन की आशा एक प्रोग्राम था, अमन की आशा के नाम से आया था, जियो न्यूज और दूरदर्शन का एक प्रोग्राम साथ में चल गया, हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि मुस्लिम्स आर ऑलरेडी पीसफुल. द वर्ड इस्लाम मीन्स पीस. Muslim means a peaceful person. You meet somebody, you say assalamu alaikum wa rahmatullah, peace be upon you man. So we are the people of peace. We are following the religion which is called peace. If somebody is peaceful, we are doubly peaceful. And why we are so peaceful? Because we have two amazing scriptures. They have been telling us about to remain peaceful. Bardashi karte rehna. Main aaj jo hai wo fajar ke waqt mein surah ali imran ki verse number 200 padh raha tha. वर्ड्स नंबर 200 में लिखा हुआ है, ईमान वालों सबर करो और रिमेन स्टेडफास्ट इन योर स्टेशन. बस सबर क्या है? कोई बंदा गाली दे रहा है, यू नीड टू बी पीसफुल. मुश्किल आ गई, यू नीड टू बी पीसफुल. वी आर द पीपल ऑफ पीस. इफ द स्टेट इज पीसफुल, वी आर डबली पीसफुल. दे आर फ्रेंडली, वी आर मोर देन फ्रेंडली. बट द नेबरिंग स्टेट लाइक इंडिया, इफ दे आर बख्तमीज, वी आर डबली बख्तमीज. इफ दे आर एग्रेसिव, वी आर गोना बी एग्रेसिव. अब ये वो डिसाइडिंग मोमेंट है जहां जिहाद मिसअंडरस्टूड हो जाता है. ये वो डिसाइडिंग मोमेंट है जहां मुसलमान पीसफुल होने की बजाय टेररिस्ट बन जाता है. ये वो डिसाइडिंग मोमेंट है जहां इंसान जो है वो कत्ल के बीच में और वो जो है वो शहादत के बीच में वो फर्क नहीं कर पा रहा होता. उसकी मिसाल आप पिशावर वाले अभी जो है वो गाजी की मिसाल ले लें या कोई भी मिसाल ले लें. तो एक चीज है टेररिज्म और एक चीज है जिहाद. उसको समझ लेना, मैं अब उसको क्लियर करने लगा हूं. इफ नेबरिंग स्टेट इज पीसफुल, वी आर डबली पीसफुल. इफ दे आर बदतमीज, वी आर डबली बदतमीज. अब ऐसा तो होगा नहीं कि इंडिया वाले हमारे बॉर्डर क्रॉस करके, लाइन ऑफ कंट्रोल करके क्रॉस करके हमारे इलाके में घुस जाएं, तो हम ऐसा तो नहीं इतने पीसफुल होंगे, अच्छा अब आई गए हैं तो दमथल की हलवा पूरी खा के चले जाएगा, ऐसा तो कोई सीन नहीं चल रहा. सो इफ दे आर पीसफुल, वी आर पीसफुल ना. इफ दे आर क्रॉसिंग द लाइन, देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू किक देम आउट. जैसे कि अधीन कर दी, वी नीड टू किक देम आउट, देन ऑब्वियसली इफ दे आर एग्रेसिव, वी आर गोइंग टू बी एग्रेसिव. लेकिन एक बात समझना, Whenever we in Islam are going to be aggressive, we get aggressive for peace. Hum jab ladai karte hain to ladai ka maqsad bhi peace hota hai. We fight in defense. We do not start fighting. We do not promote fighting. We start peace, we promote peace.
And whenever we have to fight for peace. So if they are aggressive, we are aggressive until peace is established. अब एक बात समझना, if you are always peaceful, you are Musliman. If you are always aggressive, you are Taliban. अब तालिबान इस्लाम प्रमोट कर रहे थे लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल में घुस गए, बच्चों को मार दिया, नन्नी मुन्नी जो है जाने, अभी कोई उसका एक विजुअल और कोई आप उसका क्लिप देख लें, आपकी रूह को लर्जा आ जाएगा कि यार ये किस किस्म की सोच है, ये किस किस्म की इंसानियत है जिसने बच्चों को, एक मजहब ऐसा नहीं है रोई जमीन पे, एक मजहब जो इस बात को अलाउ करे कि आप बच्चों को मार दें, और इस्लाम तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करता, बदतरीन हालात में बच्चों को नहीं मार सकता। तो थिंग इज कि तालिबान आइडियोलॉजी बॉस, वो कह रहे हैं हम तो जिहाद कर रहे हैं, वो घुस गए आर्मी वाले स्कूल में, बच्चे मार दिए, जाने ले ली, एक मुसीबत मचा के रख दी, क्योंकि जी हमें आर्मी वालों पर, अबे आर्मी वालों पर अटैक करना तो आर्मी पर अटैक करना, बच्चों को गए को मार दिया, बिकॉज दे आर ऑलवेज एग्रेसिव। इफ यू आर ऑलवेज पीसफुल यू आर मुसलमान, इफ यू आर ऑलवेज एग्रेसिव यू आर तालिबान। एंड आई डू नॉट सपोर्ट द आइडियोलॉजी ऑफ तालिबान बाय द वे, भले वो हमें उड़ा दें यहां से आगे। द थिंग इज इफ इंडिया इज अटैकिंग ऑन मी, I'm going to be aggressive because they're aggressive. But in this aggression, I'm being aggressive with them. I'm fighting with them, being to defend my religion, to defend my country, to defend my family, to defend my people, to defend my property. And I keep on fighting with them unless peace is established. When you are fighting to establish and then again to promote and to flourish peace. You don't fight to kill. You don't fight to promote aggression. You don't fight to, you know, किसी नस्ले काटने के लिए आप लड़ाई करते हैं। So, Islam में लड़ाई भी पीस के लिए है। So, if you are always peaceful, only then you are Muslim. If you are always aggressive, then you are Taliban. लाइन ये याद कर ले, टाइप करके मुझे भेजो। If you are always peaceful, you are Muslim. If you are always aggressive, you are Taliban. तो हर वक्त aggressive होना ये कोई जिहाद नहीं है, हर वक्त aggressive होना ये कोई Islam नहीं है। Islam सिर्फ always peaceful है, घर वाले पड़ोसी ये वो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल मदीना में रहे, और जब मदीना के 2 साल तक कुरैश ने तूफाने बदतमीजी किया हुआ था, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल वॉर को अवॉइड किया, अनलेस के वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर गए, वो बिल्कुल सर पे आके बैठ गए। सो फिर भी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड व्हाट, ही फॉट बैक, बट अगेन ही फॉट बैक फॉर व्हाट, टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट पीस ना। इफ यू आर ऑलवेज एग्रेसिव यू आर तालिबान, इफ यू आर ऑलवेज पीसफुल यू आर मुसलमान, इफ यू आर ऑलवेज पीसफुल यू आर मुसलमान, इफ यू आर ऑलवेज एग्रेसिव यू आर तालिबान। So there has to be a difference which is to be taught, which is to be understood, which is to be, you know, circulated among the people. Okay, there is a vast difference between terrorism and Islam. This makes a fundamental difference here. So if, I mean, tumhe state law yaad karata hoon. If they are peaceful, we are peaceful. If they are aggressive, we are aggressive. Agar tum, if they are aggressive, you are aggressive. This is terrorism. This is terrorism. Let me just clarify that. Ek phrase se puri kainat aur pura Islam hi change ho jata hai yahan par. If they are peaceful, we are peaceful. If they are aggressive, we are aggressive for peace. We are aggressive until peace is established. ये जो आखिरी वाला टुकड़ा है ना, ये हट गया तो तालिबान हो गया मेरा बच्चा। They are peaceful, we are peaceful. They are aggressive, we are aggressive to establish peace. Please इस बात को लिख लें एक बार, ताकि आपको जिहाद और टेररिज्म का फर्क पता चल जाए। If the neighboring state is peaceful, we are peaceful. इस्लाम का लॉ है। If the neighboring state is peaceful, you should be peaceful. If they are aggressive, You can be aggressive for peace. You can be aggressive until peace is established. तो आगे अगर peace के बगैर aggression है, तो इसका मतलब आप you are fighting to kill, you are fighting to finish people, you are fighting to finish, you are fighting to oppress people. तो we have to be aggressive or we can be aggressive in order to promote peace, in order to establish peace. तो ये कुरान का state law आ गया, और state law को अगर आपने उर्दू में याद किया, तो if you are always peaceful, you are Muslim. If you are always aggressive, you are Taliban. अंग्रेजी में याद किया, इफ द स्टेट्स आर पीसफुल वी बी पीसफुल, इफ दे आर एग्रेसिव वी आर एग्रेसिव फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस, वी आर एग्रेसिव अंटिल पीस इज एस्टैब्लिश्ड। कुरान का स्टेट लॉ भी आ गया। अब आ जाओ मेरा बच्चा कुरान के मॉरल लॉस पे। अल्लाह पाक ने सूरह नूर की वर्स नंबर 30 में मोमिन मर्दों से बात की, ए ईमान वालो, ए मोमिन मर्दों, और ये आयत याद करनी है सबको मेरे साथ, सूरह नूर की आयत याद करा रहा हूँ। लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी, लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी। द वेरी नेक्स्ट वर्स इज वर्स नंबर 31 ऑफ सूरह नूर, चैप्टर नंबर 24 वर्सेस 30 एंड 31 याद करा रहा हूँ। एथिकल मैं भूल नहीं गया, एथिकल मैं बताऊंगा। लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी, मोमिन मर्दों से वर्स नंबर 30 में अल्लाह ने बात की। वेरी नेक्स्ट वर्स इज अबाउट ए मोमिन औरतों, ए ईमान वालियों, Lower your gaze and guard your modesty. लाले सीन बड़ा अजीब है यहां पर।
अल्लाह ने मर्दों से बात की तो कहा लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी, अल्लाह ने औरतों से बात की तो कहा लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी। पहले तो आप मुझे टाइप करके भेजो कि आपको सूरह नूर की आयत याद हुई कि नहीं हुई। सूरह नूर है चैप्टर 24 verses 38-31। लोअर योर गेज, G-A-Z-E गेज, लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी, लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी, lower your gaze and guard your modesty. हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम काफी तफसीली है, हाफिज उमैर इबादुल्लाह मुकर्रम सुभानी नाम उनका। साल में हमसे उम्र में एक साल छोटे हैं, लेकिन दीन बड़ा सिखाया, अल्लाह ने उनको बड़ी सोच समझ दी, अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, हमारे दिल से हमेशा उनके लिए दुआएं निकलती हैं। आजकल दुबई में रहते हैं। तो एक दिन हाफिज साहब जो है वो ये सूरह नूर की आयत पढ़ के आए और मुझे आगे बोलेंगे खुर्रम आपने ये वर्ड्स पढ़ी और सुनी और समझी है कभी? मैंने कौन सी वर्ड्स, कहने लगे लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी, ईमान वालों अपनी निगाहों की और अपनी जो है जो जो अपनी हया की हिफाजत कर लो। मैंने कहा जी सुनी है, लेकिन देन ही वाज शेयरिंग समथिंग विद मी व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस एज वेल। कहने खुर्रम आपने अगर गौर किया हो वर्ड्स 30 और 31 दोनों में अल्लाह पाक ने सेम बात की है, लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी। लेकिन आप अगर गौर करो दोनों में अल्लाह ने पहले बात किससे की है? मोमिन मर्दों से। सो ये सेम मैसेज है ना मर्दों और तो दोनों के लिए, लोअर योर गेज, निगाहें झुका लो और अपनी हया की हिफाजत कर लो। तो हयादार औरत को होना है पर पहले मर्द को होना है। वर्ड्स में मैं नहीं कह रहा, अल्लाह पाक कह रहे हैं, आपकी किताब मौजूद है, आप अभी जाके कुरान खोल के देख लें। रब्बुल आलमीन ने हयादारी की बात, फेमिनिस्ट तो बड़ी खुश हो रही इस बात पर, मैं फेमिनिज्म को नहीं प्रमोट कर रहा, मुझे इस्लाम की बात करनी है आपसे। बात यह है कि जब दोनों पे हाफिज साहब कह रहे हैं खुर्रम देखो गौर से पढ़ो, यहाँ अल्लाह कह रहे हैं ए मोमिन मर्दों, ए मोमिन औरतों, पहले बात मर्दों से हो रही है, मैसेज सेम है, और मर्दों से बात हो रही है लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी हया की बात आएगी, जब भी पाकदामनी की बात आएगी, तो पहली जिम्मेदारी मर्द पर आएगी। आपको अच्छा लगे तो खैर है, लेकिन बात मेरी समझ आ जाएगी। अक्सर लड़कों से कहते हैं कि यार थोड़ा थोड़ी गैरत पालो, थोड़ी हया करो। कराची में तो गैरत का मतलब ये कि लड़के ने अगर गर्लफ्रेंड पाली हुई तो ओहो बड़ा बड़ा माचो किस्म का है, लड़की की गर्लफ्रेंड है, बहन की गर्लफ्रेंड है तो उसको गोली मार दो गैरत के नाम पे। गैरत को शायद आपने डेफिनेशन को समझा नहीं है यहाँ पर। तो गैरत और हया जो है यहाँ पर समझाई जा रही है। लड़कों को बोला कि यार देखो यार जरूरी नहीं है कि हर वक्त फीमेल जेंडर इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जरूरी नहीं कि सिटियां मारो, जरूरी नहीं कि आप उनको छेड़ो, जरूरी नहीं कि आप उनको कमेंट करो, जरूरी नहीं कि आप जो है वो ठरकी और चिचोरे हो जाए, दिस इज नॉट जरूरी। जरूरी ये है कि आप अपनी हया की हिफाजत करें। कुरान कहता है कि अगर कोई अपोजिट जेंडर सामने से आ रहा है तो पहली नजर पड़ गई तो माफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घर तक छोड़ के आ रहे हैं। आपकी नजर पड़ गई पहली तो खैर है, लेकिन फिर दूसरी नजर ना पड़े। और ऑब्वियसली देयर इज अ वे ऑफ लुकिंग एट द पीपल, ऑब्वियसली लड़कियां इस बात को बड़े अच्छे से समझती हैं कि एक वे देखने का सामने वाले का किस तरह का है। बहुत सारे तरीकों में एक अच्छी वगैरह किस्म का ठरकी किस्म का भी तरीका होता है। लड़कों को बताते हैं कि देखो हया करो, निगाहें झुका लिया करो, यू शुड नॉट बी अ ताड़ू माड़ू पर्सन, यू शुड नॉट बी द काइंड ऑफ पर्सन जो कोई भी हया करे। तो आगे से ना लड़के तो अजीब गरीब किस्म की एक्सक्यूजेस देते हैं, कह रहे अरे यार सर आप हमें क्यों रोकते हैं सर, आप लड़कियों को समझाएं ना सर, सर वो ड्रेसिंग ऐसी कर लेती हैं सर, वो ऐसे कपड़े पहन लेती हैं सर, हमसे नहीं रहा जाता सर। तो जब भी बात करे ना लड़कों से और इस जेंडर से तो जवाबात जिस तरह के आ रहे होते हैं वो जवाबात भी मुस्तकिल भरे भरे पड़े हैं ठरक के जो है वो डिस्कशन से। मतलब एट टाइम्स व्हेन वी हियर अबाउट द रेप केसेस जो कि हम इंडिया में ज्यादातर देखते हैं तो पता चलता है कि दिस रेप हैपेंड बिकॉज ऑफ द ड्रेसिंग ऑफ द लेडी। अबे लड़की ने अगर वो किया तो तू क्या कर रहा था, चल वो बेहया है, तेरी हया कहाँ थी? कुरान को समझें या जनरल परसेप्शन को समझें तो परसेप्शन ये है कि भाई सामने वाला क्या कर रहा है दैट्स हिज हर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज योर ओन सेल्फ, अपनी गिरेबान पे झांकना है, अपनी हया की हिफाजत करनी है। तो जब भी बात होगी लड़कों से तो कहते हैं सर हम तो हया कर लें पर उनकी तो ड्रेसिंग देखें, उनकी ड्रेसिंग के बारे में बात बाद में होगी। कुरान ने मोमिन मर्दों से कहा लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी। इफ कुरान ने ये तो नहीं कहा इफ शी इज वेयरिंग हिजाब देन लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी एंड इफ शी इज वेयरिंग जींस देन स्टार्ट ताड़ोफाइंग द पर्सन, ऐसा तो कहीं भी नहीं है मेरा बच्चा। बात तो बड़ी सिंपल सीधी सी लिखी हुई है। इन ऑल केसेस इवन व्हाटएवर ड्रेसिंग शी इज वेयरिंग दैट्स हर इंडिपेंडेंट चॉइस ना,
If she is wearing a burqa, if she is wearing a jeans or shalwar, whatever she is doing, even she is wearing the hijab or not, that's her choice. Na? But in all cases, you have a primary responsibility. You have to lower your gaze and guard your modesty. Yahan par mard pe primary zimmedari aayegi. Ab jaise mardon ki independent choice hai. Mardon ko to shorts pehenne ki ijazat nahi hai. Kyunki mard ka sadar to navel till nahi hai. लेकिन बहुत सारे लड़के शॉर्ट्स पहन के निकलते हैं बाहर. अब कोई लड़का शॉर्ट्स पहन के निकले बाहर तो हम कहेंगे हाय हाय बेहया आ गया. कहेगा भाईजान आपको तो स्वैग और बर्गर पता ही नहीं है. तो भाईजान जब आपकी इंडिपेंडेंट चॉइसेस हैं, आप घर में शर्ट उतार के घूम रहे होते हैं, आप बनियान में अजीब आधे पौने नंगे घूम रहे होते हैं, आप कहते भाई मेरी चॉइस माई लाइफ माई रूल्स, जैसे कल एक बच्चा माई लाइफ माई रूल्स बोल रहा था. और भाई तेरे लाइफ तेरे रूल्स हैं ड्रेसिंग के, तो उसकी लाइफ के भी उसके रूल्स हैं ना ड्रेसिंग के. तू कौन है किसी पे कमेंट करने वाला. एंड देन व्हेन यू आर यू नो ब्रिंगिंग आउट योर थरक एंड व्हेन यू आर सेइंग ऑल दीस थिंग्स, यू आर पॉइंटिंग आउट एंड यू आर विक्टिमाइजिंग अ पर्सन एंड यू आर ब्लेमिंग द विक्टिम अगेन एज वेल. जबकि सारी गंदगी गलाजत आप पे. तो कुरान ये नहीं कह रहा दूसरों पे तनकीद करो. कुरान ये नहीं कहता कि दूसरों की हया पे कमेंट करो. कुरान ये कहता है लोगों को बोलते फिरो और विक्टिम को ब्लेम करो. कुरान कहता है अपने आप को ब्लेम करो. और बात बड़ी सीधी सी है, यू हैव टू लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मर्सी. द मर्द फर्स्ट, जिसमें मैं भी शामिल हूं, मैं आपको हिजरत नहीं लगा रहा माफ करे. उसके बाद फिर अल्लाह औरतों से बात करते हैं. ए मोमिन औरतों, तुम भी हया कर लो, लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी. एंड लेट मी शेयर अ वेरी क्यूट स्टोरी विद यू गाइस. There was a day when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was sitting down with his two wives. Number one was the daughter of Hazrat Abu Bakr named Hazrat Aisha. The other was the daughter of Hazrat Umar named Hazrat Hafsa. When Paul was sitting down and he was having a word with his two wives, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was told by one of the companions, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there is a companion standing at the threshold, at the doorstep, and this companion, the male companion, he is here to meet you, he is here to see you. Nabi al-Islam said that, ठीक है, कुछ देर के बाद आप उन मेल कंपेनियन को, सहाबी जो है उनको आप आगे भेज दीजिए, उनको जो है वो कमरे में भेज दीजिए. बिफोर दैट मेल कंपेनियन एंटर्ड इनटू द रूम ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा हजरत हफ्सा से कहा कि आप दोनों कमरे में चली जाए. बिकॉज द कंपेनियन हु इज अराइविंग, ही इज अ मेल कंपेनियन. इस वक्त तक सूरह नूर की फर्दर और सूरह निसा की आयतों में ये जो हुक्म आ चुका था, मदीना का एपिसोड है जब पर्दा वाजिब हो चुका था. अब प्रॉफिट ने जब दोनों सहाबियां अपनी वाइफ से कहा कि आप पर्दे में चले जाएं, तो दीस टू वाइव्स ऑफ प्रॉफिट डिसाइड दैट या रसूलुल्लाह पर्दे में जाने की क्या जरूरत है. द कंपेनियन हु इज हियर टू मीट यू, ही इज अ ब्लाइंड पर्सन, वो तो अंधे हैं, वो तो नाबीना है, वो तो देख ही नहीं सकते, तो पर्दे में जाने की क्या जरूरत है. तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैड, वो नहीं देख सकते, आप तो देख सकती हैं. तो फिर जब मर्द को निगाहें झुका के हया का हुक्म दिया, वैसे ही औरत को भी निगाहें झुकाने और हया का हुक्म दिया. तो इफ अ मर्द कैन नॉट बी अ ताड़ू माड़ू पर्सन, यही लॉ औरत पे आएगा. लेकिन प्राइमरली ये बात मर्द पे क्यों आएगी, कि ज्यादा मामला इस एरिया में खराब मर्दों की तरफ से होता है. तो और मर्द की निगाह यूजली जो है ज्यादा भटकती और जो है वो थरकी होती है एज कम्पेयर टू द औरत. और यही बात कुरान की सीखों से भी साबित है. लेकिन हुक्म दोनों पे सेम आया, यू हैव टू लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी. तो मैं एक दिन बोर्डमा स्कूल कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था, बड़े बुरे हालात थे. मैं क्लास में जाने लगा तो ऑफिस में एक लड़का खड़ा हुआ था और वो लड़का मुझे बोल रहा है कि सर मुझे एक प्रॉब्लम है, कंप्लेन करनी है. मैंने कहा बेटे बोलो. कह रहे सर मैं क्लास में बैठ रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम है, आई एम बीइंग बॉदर्ड, आई एम बीइंग बुलीड, आई एम बीइंग टीज्ड. मैंने कहा क्या हो गया भाई. कह रहे हैं मुझे फलानी लाइन में बैठी तीन लड़कियां छेड़ रही. नाउ दिस इज द काइंड ऑफ कंप्लेंट दैट वाज यूनिक फॉर मी. मैंने कहा भाई ये तो सुना था लड़कियां आगे बोलनी है, वो लड़के हमें छेड़ रहे हैं. ये कब से सीन शुरू हो गया कि लड़कियां लड़कों को छेड़ रही. तो मैंने कहा यार भारल दैट वॉज स्ट्रेंज. और मैंने उसको जो जवाब दिया, मैंने कहा भाई आप हसीन ही इतने कि आपको छेड़ा जाए, वो मैंने तो बड़ा दिल लगी की उससे थोड़ी सी. लेकिन फिर मैंने कहा मुझे दलील चाहिए. हमने कैमरा खोला, रिकॉर्डिंग देखी. जब से वो सीधा बैठा हुआ क्लास का वेट कर रहा है और मुस्तकिल वो तीन कभी पर्ची फेंक रही है, कभी आवाजें दे रही है, कभी उसको बात करने में मजबूर कर रही है. तो अगर मर्द ये सारी चीजें नहीं करेगा तो ये औरत पे भी आएगी. कहीं लड़कों को लगे यार सर खुरम तो हम पे शुरू हो गए और लड़कियों की तरबियत के बारे में भी कुछ बोले, लड़कियां तो यूं उभर के फेमिनिस्ट बन के बैठना चाहेगा ही. तो लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी मर्द के लिए हुक्म आया, लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी औरत के लिए हुक्म आया. और जब निगाह पड़ जाए अपोजिट जेंडर पे तो निगाह झुका लो. बहुत सारे गुनाहों से यहाँ बचत हो जाती है. अब बताओ इस कुरान का मॉरल लॉ क्या है. ये तो ऐसा याद होना चाहिए कि आज आपको ख्वाब में भी आना चाहिए. बताइए सूरह नूर की आयत 30 आयत 31 क्या है. टाइप करें ना, मैं भी बोल बोल के थक जाता हूं यार. क्या है आयत, कुरान का मॉरल लॉ क्या है. लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी. निगाहें झुका लेंगे तो आपकी हया की हिफाजत हो जाएगी. ऑर्डर किस पे है, मर्द पर, औरत पर या दोनों पर.
ऑर्डर किस पर है, मर्द औरत या दोनों? दोनों। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मर्द की है। तो ये बता दीजिए, क्या औरतें अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती हैं? अभी भी नो आ रहे बहुत सारों के। जब हर बंदा अपना जवाबदेह होगा, जब हर बंदा अपना ईमान रखता होगा, जब हर बंदे से इंडिविजुअल सवाल होगा, तो वो बंदा अपनी जिम्मेदारी पा लेगा ना। आप अपने आप को पहले सुधार लें। जब आप सलवार कमीज पूरी पहनते हो, आप जींस की भी ना पहनते हो, जब आप जो है वो बड़े हयादार किस्म के आदमी हो, तो आप कमेंट कर लीजिएगा। लेकिन जब आप हया पा लेंगे, इस्लाम समझ लेंगे, वो पूरा इस्लाम का लिबास ओढ़ लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा लोगों तनकीद नहीं इसलाह करनी है, और यूं सारे मामला उनके ऊपर नहीं लेके जाने। तो पीपल आर हैविंग देयर इंडिपेंडेंट चॉइसेस एंड देयर आंसरेबल एंड अकाउंटेबल फॉर दैट। तो कुरान में मॉरल लॉ के अलावा एथिकल लॉ भी है। अरे ये गड़बड़ हो गई, चाहिए बता रहा हूँ बच्चा, ये मॉरल लॉ था। कुरान के एथिकल लॉज भी हैं। कुरान का एक एथिकल लॉ जो कि अपनी मौत तक याद रखना है, जस्ट टेलिंग ना, ये बात अब आपके मेरे बीच की है, हमारे अम्मी अब्बू के बारे में। कुरान समझाता है कि व्हेनेवर यू स्पीक टू योर पेरेंट्स ना, तो आपकी शह रग दुखनी नहीं चाहिए। अच्छा, ये शह रग अभी बकरा ईद में भी आपने जब जिबा होते देखा ना जानवर, तो उसके शह रग काटते हैं, बाल जैसी बारीक एक वेन, एक नस, एक रग है, वो कट जाती है तो वो बाल बहुत करीब होती है, या गले के भी करीब होती है, उसे तकलीफ भी नहीं होती। वो जानवर के एस्पेक्ट से बात हो रही है, पर शह रग क्या है? दैट्स द वेन, दैट दीज आर द कॉर्ड्स इन योर नेक, और वन ऑफ दोस कॉर्ड्स इज कॉल्ड द शह रग, जिसे आप जगुलर वेन बोलते हैं। तो ये जो जगुलर है आपकी, इतनी करीब है, इसके बारे में यानी अम्मी अबू से बात करते हुए कुरान समझाता है कि व्हेन यू स्पीक टू योर पेरेंट्स ना, योर जगुलर, योर कॉर्ड्स और योर वेन्स, दे शुड नॉट बी स्ट्रेचिंग। तो आपको अपने वालिदैन से कैसे बात करनी है धीमी आवाज में। Now, let me just tell you, जब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा सामने लैपटॉप बिल्कुल सामने रखा हुआ है, और उसका स्पीकर बहुत पप्पू काम करता है, लेकिन मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो बात करते हुए आई कैन फील दैट। नाउ यू आर योर ओन जज। एक लड़का, उसकी उसकी जो वॉइस है वो लाउड है, तो क्या वो लाउड हो रहा है, क्या वो रूड हो रहा है? ना ना, इसको लोग नहीं जज कर सकते। यू आर योर ओन जज। Now you need to make a decision if you are speaking to your parent, whether you are loud or not, ye tumhare ilawa aur koi behtareen judge nahi kar sakta tumhare Allah ke ilawa. So you need to make a decision, is it you are being badtameez or not? Jaise main aap se abhi baat kar raha hu, I can conveniently feel that, I can feel the stretch in my neck, I can feel the stretch in these cords, the jugular, mujhe ho raha hai, khichav aa raha hai. To agar main apni ammi abbu se aise baat karu, ammi assalamu alaikum, to this is against Quran, this is against sunnah, this is being badtameez. Aur jo shakhs Allah rasool aur walidain ka na hua sir, na qabr mein sukoon hai, na zindagi mein, na aakhirat mein sukoon hai, wo to main to keh raha hu jeene ka hi haqdar nahi. तो ये जितना से मैं आपसे, ये तो बहुत मतलब आपको तो अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जोर से पढ़ा रहा हूँ, आपको सुनना है, लेकिन स्पीकिंग टू माय पेरेंट्स इन दिस काइंड ऑफ वॉइस, इन दिस काइंड ऑफ वॉल्यूम, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। चलें थोड़ा चेंज करते हैं इसको। अगर मैं अपने वालिदैन से ऐसे बात करूं जिस आवाज में मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ, आई एम माई ओन जज, ठीक है, माई वॉल्यूम इज लाउड, आई नो दैट ऑलरेडी, लेकिन मैं अगर इस तरह से बात करूं, सो आई नीड टू जज दैट, और इसमें मुझे फील क्लियरली हो रहा है कि लाले अब भी यहाँ खिंचाव पड़ रहा है, दिस इज अगेंस्ट कुरान, this is being patmis, this is haram, and this is one of the gunah kabira, the major sin. To phir bhai ye bataye sir khuram, ammi abbu se kis lehje mein baat kare, kis awaaz mein baat kare, you are your own judge. Baat karte hue is baat ka khayal rakhe ki idhar khichao nahi padna. To let me just give you one example and demonstration. If I would like to speak to my mom, aur agar main apni ammi se baat karna cha raha hu aur ammi ko main baat karu islam ke hisab se, to mujhe ammi ko batana hai aur unse baat koi bhi karni hai, to baat aur lehja kuch hi hoga. अम्मी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. अब आवाज में शाइस्तगी तो है, वॉल्यूम भले लाउड है या नहीं है, वो मेरा नेचुरल वॉल्यूम है, मुझे पता है कि यहाँ खिंचाव नहीं पड़ रहा. इतनी बारीकी से इस्लाम ने बात की है, जो शख्स वालदैन का नहीं यकीन करें, उसको जमीन आसमान कुछ कबूल नहीं करेगा, भले वालदैन कितने ही बुरे क्यों ना हो. काफिर वालदैन की भी इज्जत वाजिब है. हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम्स फादर एंड अकॉर्डिंग टू फ्यू पीपल, हजरत इब्राहिम्स अंकल वाज बाय द नेम ऑफ आज़र. हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के घराने के लोग जो है मुसलमान नहीं थे, पर उन पे वाजिब था कि वो अपने वालिद साहब की पूरी इज्जत करें, अनलेस के वालदैन कोई ऐसी बात करें जो इस्लाम के खिलाफ. सो अपने वालदैन से धीमी आवाज में बात करें. इधर से ही मामला शुरू हो जाता है. अगर तुम्हें कितना ही गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, तुम बात ही धीमी से करोगे, उन्हें कभी कोई चीज हर्ट ही नहीं करेगी. पहले आपके पेरेंट्स कहते हैं तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, और कभी आप जवाब दें तो आगे से अब्बू बोलते हैं तू बात कैसे कर रहा है,
ये जो पॉइंट है ना, तू बात कैसे कर रहा है, दैट्स अ बिग डील मैन, इट इज अ बिग डील, क्योंकि भाई बात कैसे करनी है ये अल्लाह ने कुरान में सिखा दी है, ये रसूल ने हदीस और सुन्नत में सिखा दी है। तो जब भी वालिदैन से बात करें, आपकी शेयर अब दुखनी नहीं चाहिए, जगल शुड नॉट बी हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर, एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेचिंग, और आपको धीमी आवाज मार, यू शुड स्पीक टू योर पेरेंट्स पोलाइटली। ये एक बात, वो निगाहों को झुका लेना जवानी की हिफाजत कर जाता है, ये धीमी आवाज में बात कर जाना, ये आपके तमाम डिसोबीडियंस को जो है वो गाइड कर देता है। और लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, यस आई नो एट टाइम्स पेरेंट्स आर रियली अनजस्ट, एट टाइम्स दे आर सो डिस्क्रिमिनेटिंग। बड़ा भाई फारिग है, छोटी बहन प्यारी है, सबसे छोटा वाला लाडला है, बाकी सारे तो हमने किस्तों में कुरानदाजी में कहीं से उठाए थे, इस तरह के रवैये चल रहे होते हैं, क्या करें, बर्दाश्त करें ना। सूरह आले इमरान आयत नंबर 200, पता नहीं शायद अल्लाह ने आज मुझे इसलिए पढ़ा दी कि मैं आपको आज वो बार बार बताता रहा हूँ, सबर कर लो, यू नीड टू बी प्रैक्टिस एंड्योरेंस एंड पेशेंस, एंड यू नीड टू रिमेन एट योर स्टेशन, योर स्टेशन इज योर ईमान, यू नीड टू रिमेन इन योर ईमान, सो दैट इवेंचुअली यू विल गेट गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद पैराडाइज। सुकून, आराम, सबर। गुस्सा आ जाए तो मैं आज आपको तरकीब बता रहा हूँ, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरकीब बताई है, अब्बू ने डांट दिया, अब्बू ने झाड़ दिया, अम्मी ने गलती आपकी नहीं थी, आप ही को बोल दिया, गिलास छोटे भाई ने तोड़ा, डांट आपको पड़ गई कि आपने देखा क्यों नहीं, तो अगर आपको झाड़ पड़ जाए भाई बर्दाश्त करना है, नहीं हो रहा बर्दाश्त, गुस्सा आ रहा है, तो हुजूर अलैहि सलाम समझाते हैं, गुस्सा आने लगे खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, और खामोश तो रहना ही है, बोल तो सकते ही नहीं ना। अब अगर अम्मी पूछ रही है ओए दीवाने ओए पागल, तो आप क्यों बोलेंगे जी अस्सलाम वालेकुम मैं पागल, आप ऐसे तो जवाब दे नहीं पाए, इतना तो सबर होता नहीं लोगों में, गुस्सा ज्यादा आ रहा है ना, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो चेंज योर लोकेशन, चेंज योर पोजिशन, उसमें बेसिकली आपका ध्यान बढ़ जाएगा और हो सकता है चीज आसान हो जाए। दूसरा, नबी ने सिखाया गुस्सा बहुत आ रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इससे पहले कुछ बोल पड़ो, इससे पहले कि गुनाह कबीरा कर बैठो, तुम फिर पानी पी लो, पानी पीने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, नहीं कुछ सोच जगह से चले जाओ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला हैड एन आर्गुमेंट, ही डिड एन आर्गुमेंट विद हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला, आप घर से बाहर आ गए, मस्जिद नबी के सहन पे जाके लेट गए, जिसके बाद प्रॉफिट ने आपको बड़े लाड प्यार वाले नाम अबू तुराब से पुकारा। सो हो जाएगा ना ऐसा, उस वक्त का वो मोमेंट पास करना है, और वो मोमेंट पास करने के लिए क्या सीखना है, वो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 200 है, ईमान मान लो, सबर कर लो, सबर कर लो, और अम्मी अबू पे सबर नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे भाई। सो यहाँ पर उनकी कोई अनजस बात भी है, सहले यार, यही नेकी, यही जन्नत, और यही आगे आपके लिए ईमान के और बड़े नियमत वाले समंदर है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, कुरान के बहुत सारे एथिकल लॉज में से एक लॉ क्या है, स्पीक टू योर पेरेंट्स पोलाइटली। एक एथिकल लॉ मैं आपको समझाता हूँ, सूरह माउन से, आप में से कुछ लोग नमाज में सूरह पढ़ते होंगे, और वही तल्लदी युकद्दिम बिद्दीन वाली सूरह है, वो लोग जो अपने नेबर से स्मॉल नेबरली नीड्स भी शेयर नहीं करते, वो जहन्नमियों में से, या उनपे दर्दनाक अजाब होगा। नाउ देयर नेबर इज कमिंग टू यू एंड नेबर इज आस्किंग कि यार मैं आपके घर के सामने गाड़ी लगा दूं, लगा दें, क्या मसला है सर, वो मेहमान आ गए, टमाटर दे देंगे, हंडिया नहीं पकड़ी सर, वो थोड़ा सा दही, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी पत्ती दे देना, इनको कहते हैं स्मॉल नेबरली नीड्स, स्मॉल नेबरली फेवर्स। वो शख्स जो स्मॉल नेबरली नीड्स में भी मना कर दे, क्योंकि भाई नहीं है, आपका बकरा हमारे घर पे क्यों बांध दिया, लूसन खा लिया उसने, पूरा जंतर चाट दिया हमारा, तो आप अगर छोटी छोटी चीजों पे लड़ने लग जाएंगे तो यू आर अ कंजूस एंड मक्कीचूस पर्सन, यू आर अ माइजर पर्सन, यू आर नॉट दैट मोमिन, मोमिन इज जनरस, मोमिन इज सखी। नाउ इफ आई स्पीक टू यू, आपको अल्लाह बड़े अच्छे लगते हैं, आपको अल्लाह बहुत पसंद है, क्यों, क्योंकि अल्लाह एक रात की इबादत में 83 years का सवाब देते हैं, आपको अल्लाह बहुत पसंद है क्योंकि अल्लाह रमजान की एक नेकी को 70 कर देते हैं, आपको अल्लाह बहुत पसंद है क्योंकि अल्लाह सो जेनरस, क्योंकि अल्लाह एक नमाज बाजमात पे 27 का सवाब देते हैं, तो यू हैव टू बी जेनरस ना, तो आपको भी तो जेनरस होना पड़ेगा। मोमिन इज अ जेनरस पर्सन, मोमिन इज नॉट अ टाइट फिस्टेड पर्सन, मोमिन इज नॉट माइजर पर्सन। तो यू नीड टू डू अंडरस्टैंड दैट कि सूरह माउन का एक एथिकल लॉ है, पड़ोसी का ख्याल तो रखना है, लेकिन पड़ोसी का ख्याल रखने में यू नीड टू शेयर द स्मॉल नेबरली नीड्स एज वेल। तो ये बहुत सारे लॉज आ गए, कुरान की खासियत है, Quran offers guidance for every walk of life. Quran offers guidance for every topic of life. Quran में religious laws के अलावा social, financial, political, state, ethical और moral laws भी मौजूद हैं। अब सुनना जरा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। 10 marks का answer हो, इनमें से कोई 3 or 4 examples answer extend हो गया। 5 marks का answer हो, इनमें से कोई भी 2 examples answer medium length हो गया। 2.5 मार्क्स का आंसर हो, इन सब के नाम लिख के एक्सेट्रा लगा दें, एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है, आंसर सुपर कंसाइज हो गया। नाउ दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्ट्रेच
राइट द आंसर इन द मीडियम और कंसाइज देन. तो इन्हीं टॉपिक्स को कभी ज्यादा कभी कम कभी बहुत कम लिखा जाएगा. पढ़ाऊंगा मैं तफसील से ताकि मेरे स्टूडेंट्स ए स्टार डिस्टिंक्शन के लिए तैयार हों. उन्हें बताओ कि कंसाइज एक्सटेंसिव और मीडियम लेंथ आंसर ऐसे लिखे जाएंगे ना, या तो फिर आप बुलेट्स ही करेंगे. मैंने इतने सारे जो आपको लॉज बताए, मुझे पूरा यकीन है 75% ऑफ द लॉज आपको पहले से पता थे. इस सूरत हाल में अगर 10 मार्क्स हैं 3 या 4 एग्जाम्पल्स, 5 मार्क्स हैं 2 to 3 एग्जाम्पल्स, 2.5 मार्क्स का आंसर लिखोगे कुरान में, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है बल्कि आप सिर्फ टॉपिक के नाम लिखेंगे. चलो अब राइटिंग शुरू करते हैं, लिखना शुरू करो. रिलीजियस लॉज, सोशल लॉज, इकोनॉमिक लॉज भी लिख सकते हैं, फाइनेंशियल भी लिख सकते हैं. फाइनेंशियल लॉज, पॉलिटिकल लॉज, स्टेट लॉ हमने सीखा था. इफ यू ऑलवेज पीसफुल यू आर मुसलमान, इफ यू आर ऑलवेज एग्रेसिव यू आर तालिबान. स्टेट लॉज के बाद सूरह नूर का लॉ आ गया, लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी. और फिर अम्मी अबू वाला आ गया, एथिकल लॉज. टाइप करके भी सेंड कर दो अरीफ भाई, सही नखरे कर रहे हो आप, ये सही जा रहे हो आप. मैं टाइप भी कर दूं, कर देते हैं टाइप, आपको मसला नहीं. लीजिए अरे भाई, आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई, टाइप करके भी भेज दिए. मैं रिमाइंड करा दूं आप लोग को, आप चाहें तो आगे सामने लिख सकते हैं. अगर मुझसे कोई पूछे कुरान को रिलीजियस लॉ बताओ, तो मैं एक रिलीजियस लॉ बता दूंगा, 2:43, एस्टैब्लिश रेगुलर प्रेयर एंड गिव पुअर टैक्स एंड बाउ डाउन इन हेड्स विद दोज हु बाउ डाउन. अगर मुझसे पूछे कोई कुरान का सोशल लॉ बता दो, तो मैं कहूंगा यार, ओ यू बिलीव इन टॉक्सिन एंड गैम्बलिंग आर द फिल्थी वर्क्स ऑफ शैतान, ये सोशल लॉ है. वरना मैं वो शादी वाला लॉ भी ले सकता हूँ, क्योंकि सूरह निसा की वर्स नंबर 3 है. कोई मुझसे पूछे कि यार कोई फाइनेंशियल लॉ बता दो, मैं कहूंगा देश से ट्रेड इज लाइक इंटरेस्ट, बट अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड एंड फॉरबिडन इंटरेस्ट. अब मुझे ना इसका वो वाला लॉ याद नहीं आ रहा, 4:59. पॉलिटिकल लॉ में अल्लाह पाक कह रहे हैं, ओ यू बिलीव, ओबे अल्लाह, obey his messenger and those who are in authority. ये कल इज्मा के टॉपिक में आएगा, ये हमारे पास पॉलिटिकल लॉ में लीडरशिप के बारे में यूज हो सकता है. फाइनेंशियल लॉ में दे जीव्स हैं, सूरह निसा की आयत दिखनी है सोशल लॉ में, तो वो है 4:3. ये मैं आगे वेमेन के टॉपिक में याद कराता हूँ, तो इसलिए अभी भले ना लिखें. स्टेट लॉ का फिलहाल कोई रेफरेंस नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो जिहाद के बारे में एक आयत हम आगे याद करेंगे, 2:190, वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. मॉरल लॉज मैंने आपको बताया, सूरह आले इमरान, सूरह नूर चैप्टर नंबर 24:30-31. ये वाला आयत नंबर मुझे अभी ढूंढना है. एथिकल लॉ जो मैंने आपको बताया था, हाउ टू स्पीक टू योर पेरेंट्स के बारे में वो, और सूरह माउन कौन सी सूरह है, सूरह माउन शुड बी चैप्टर नंबर 107, जिसमें स्मॉल नेबरली नीड्स का जिक्र है. Last verse of Surah Maun, chapter 107. You are a new student, Muhammad Nahyan. Though there are two ways of recovering the previously missed topics. Number one is that whenever you will be getting the access of the OneDrive, because jo log naye student hai unke paas email aati hai ek do din ke baad, us folder mein jayenge to you will be finding the recordings.
और रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको वहां पर अल्लाह का भला करे मेरे पीडीएफ भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग देखें, इसी तरह से लेक्चर पूरा उसकी रिकॉर्डिंग होगी। एंड सेकेंडली यू कैन वेट क्योंकि वी होप सो कि आफ्टर द मंथ ऑफ सितंबर कोचिंग सेंटर्स विल बी ओपन, सो हम आपको वहां पर जब मोस्ट लाइकली आफ्टर नवंबर दिसंबर बैकअप क्लास देंगे तो पूरा चैप्टर जो है वहां पर रिपीट होगा, तो फिर आप बैठ जाइएगा और आपके मेरे ख्याल से इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो विद इन जो है वो 5 to 6 क्लासेस में कवर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर, कुरानिक लॉज आर इनडिस्ट्रक्टेबल। अब जिसका एक काम रह गया वो थोड़ी देर वेट कर लेगा, मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे आगे वाला पॉइंट बताना है, मेरे सवालों का जवाब देना आप लोगों ने जल्दी से क्योंकि ये पॉइंट बहुत बहुत तेजी से खत्म होगा। मुझे ये बताओ, तौरात ज़बूर इंजील, तौरात ज़बूर इंजील हु रिवील्ड दीस बुक्स, तौरात ज़बूर इंजील किन्होंने नाजिल की, कौन सी पर्सनैलिटी है, अल्लाह पाक जज़ाकुमुल्लाह, थ्रू विच एंजल, किस एंजल के थ्रू, तौरात ज़बूर इंजील वर सेंट बाय अल्लाह थ्रू विच एंजल, हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम, जज़ाकुल्लाह खुश रखें आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपने सही जवाब दिया। Torah, Zabur, Injil, they were sent by Allah through an archangel named Hazrat Jibril al-Islam on his prophets named Hazrat Musa, Hazrat Dawud, and Hazrat Isa. Torah Hazrat Musa pe thi, Zabur Hazrat Dawud pe thi, aur Injil Hazrat Isa par nazil hui. Torah, Zabur, Injil, sent by Allah. Sunna point khatam ho jayega bahut jaldi, bahut choti si guftugu hai, ye point bahut lamba nahi jayega. Torah, Zabur, Injil, sent by Allah through Hazrat Jibril al-Islam on his prophets named Hazrat Dawud, Hazrat Musa, Hazrat Dawud, Hazrat Isa. Quran was again sent by Allah. Was again through the archangel named Hazrat Jibril and again on his prophet named Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But there's a big difference, and the difference was Torah, Zabur, and Injil. They were altered, they were corrupted, they were destroyed, and they were destructed. But Quran is an amazing, unique book. Quran can never be altered, can never be corrupted, can never be destroyed or destructed. Why so? Because there's only one reason and one significant reason behind that, and that significant reason is. पुरानी किसी भी किताब के साथ अल्लाह ने कोई वादा नहीं कर छोड़ा था, लेकिन कुरान के साथ अल्लाह ने वादा कर छोड़ा है, और वादा है कि अल्लाह पाक ने जो वादा किया दैट इज मेंशन इन सूरह हिजर चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 9। ये आयत आपको मेरे साथ आज याद करनी है, पूरे साल हमारे कम से कम 6 to 8 टॉपिक्स में ये आयत यूज होती है। सो अल्लाह पाक ने कुरान के लिए जो वादा किया वो ये, वी हैव इंडीड सेंड डाउन दिस मैसेज, वी विल श्योरली गार्ड इट फ्रॉम करप्शन, we have indeed sent down this message and we will surely guard it from corruption, we have indeed sent down this message and we will surely guard it from corruption. Pehle mere sath padha karo, jab yaad ho jaye to type shuru karna shuru kiya karo. We have indeed sent down this message and we will surely guard it from corruption. Surah Hijr chapter number 15 verse number 9 mein Allah Pak vaada kar rahe hain, we have indeed sent down this message and we will surely guard it from corruption. We have indeed sent down this message and we will surely guard it from corruption. Typing kam aa rahi hai bhai, bahut sare bacche likh nahi rahe, khair hogi 200 log sun rahe hain baat, utne kam log likh rahe hain. Ayat yaad karna zaruri hai sir, ye is point mein major jo hai reference use hoga. We have indeed sent down this message and we will surely guard it from corruption. हुरैबा, वी इंडीड नहीं, वी हैव इंडीड, हैव आएगा हुरैबा, वी हैव इंडीड सेंड डाउन दिस मैसेज एंड वी विल श्योरली गार्ड इट फ्रॉम करप्शन। अजान में मेरे पास तो 8 मिनट बाकी है, आपके पास हो रही है अजान, चलें सर जज़ाकअल्लाह, आपने यहां पर लिख दिया, इस पॉइंट के नीचे लिखना शुरू करें, यहां पर राइटिंग करनी है, थर्ड पॉइंट के नीचे लिखना शुरू करें, मैं भेज रहा हूं पॉइंट्स, लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो कंपैरिजन ऑफ कुरान विद प्रीवियस 3 बुक्स, कंपैरिजन ऑफ कुरान विद प्रीवियस 3 बुक्स। The responsibility of the preservation of the Quran has been taken by Allah. Third point aa jayega 15:9 Surah Hijr. Azan shuru ho gayi hai, mere khayal se gap le lete hain.
Paper one. मेरे पास 5 मिनट है अभी, तो बहुत दूर से आवाज आ रही है, मोहल्ले वाली मस्जिद की अजान होगी तो गैप ले लेंगे, एक पॉइंट खत्म होगा तो कुरान भी खत्म हो जाएगा, 3-4 मिनट्स की बात है। मैं जल्दी बताओ, लिख लिया तो मैं आगे बढ़ू, डन लिखो जल्दी से अगर काम हो गया है तो, जल्दी शाबाश, इफ यू आर डन विद द थ्री विद द प्रीवियस थ्री पॉइंट्स सो वी शैल मूव ऑन। लास्ट पॉइंट आ गया, कुरानिक लॉज कैन नॉट बी चैलेंज्ड, कुरानिक लॉज आर बियॉन्ड चैलेंजिंग। मुझे एक सवाल का जवाब दो, इफ आई चैलेंज पर्सनैलिटी ऑफ अल्लाह एम आई राइट रॉन्ग, कैन आई चैलेंज अल्लाह यस या नो, कैन आई चैलेंज अल्लाह यस या नो, नो ऑब्वियसली 100% सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त भी और यही जवाब है, आई कैन नॉट चैलेंज पर्सनैलिटी ऑफ अल्लाह बिकॉज ही इज परफेक्ट आई एम इम्परफेक्ट, ही इज इंडिपेंडेंट एंड आई एम डिपेंडेंट, आई एम डिपेंडेंट ऑन अल्लाह एक्चुअली, He is the creator and I am one of his creations. Azan shuru ho gayi sir. Allah
I cannot challenge the personality of Allah because Allah's personality is supreme. He is perfect. I'm imperfect. He is divine. I'm one of His creations. He is independent. I am dependent. For all these amazing reasons, I cannot challenge the personality of Allah. Pehli buniyadi baat ye ki I cannot challenge Him because He is supreme. He is perfect. And I am not supreme. I'm inferior to Him and I'm imperfect. Aur bahut badi ek wajah ye bani that the creation cannot challenge the creator. Ab ek baat humne suni bhi hai bachpan se. और इस्लाम में भी बार बार सुनने को मिलती है कि जी यूनिटी इज हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. यूनिटी में बड़ी मजबूती और ताकत है. सो इफ ऑल ऑफ अस गेट टुगेदर वी आर अराउंड 200 पीपल. अगर हम 200 के 200 लोग जमा हो जाएं, कुड यू प्लीज आंसर मी, इफ वी ऑल गेट टुगेदर इन अ कंबाइंड मैनर कैन वी चैलेंज अल्लाह? यस या नो? सबके जवाब सही आए हैं. सबने नेवर और नो ही लिखा है. So, उसका जवाब उसका रीजन भी तो सेम ही होगा ना. बिकॉज अगर हम सारे मिल भी जाएं, स्टिल वी ऑल आर इम्परफेक्ट एंड ही इज परफेक्ट. वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन हिम एंड ही इज द इंडिपेंडेंट. वी ऑल आर इनफीरियर टू हिम, ही इज द सुप्रीम. एंड वी आर द क्रिएशंस एंड ही इज द क्रिएटर. सो इट मींस दैट दैट इज वेरी सिंपल. क्रिएशंस बीइंग इनफीरियर कैन नॉट चैलेंज द क्रिएटर हु इज नॉट द सुपीरियर. एक्चुअली ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी. सो क्रिएशंस कैन नॉट चैलेंज द क्रिएटर. They cannot even think about that. And if the challenge is made, agar koi bhi creation Allah ko challenge kare, the challenge is wrong. The challenger is wrong. And this challenge can never be even discussed and accepted because the imperfect creations cannot challenge the perfect creator. Ab samajhna. Allah ki zaat ko challenge nahi kar sakte, kyunki Allah ki zaat aala hai aur supreme hai. Just like we cannot challenge the personality of Allah. Sahi bhai, iske main do dandiyan banata hu, dekho. Just like we cannot challenge the personality of Allah because His personality is supreme, similarly, we cannot challenge the words of Allah. Now, what are the words of Allah? The words of Allah is the book of Allah. Just like we, the creations of Allah, we cannot challenge the personality of Allah in a similar manner. We cannot challenge the words of Allah because like His personality, Allah's words, the book of Allah is also supreme. And His book is supreme, which this means that no other book can challenge the book of Allah. Nobody's word can challenge the word of Allah. If any person's words challenges the word of Allah, we would say the person is wrong. His challenge is wrong. His words are wrong because imperfect words cannot challenge the perfect words, which means the words of the creations cannot challenge the word of the creator. So, jaise Allah ki zaat ala aur supreme hai, nobody can make a challenge to Allah. Isi tarah se Allah ki kitab bhi ala aur supreme hai. Ab agar main baat karu Quran ki beyond perfection, more than perfect, agar baat karu main aapki aur me, हम तो स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हैं, सोचने भी बात अजीब करते हैं, कुछ किताबों में इतनी ओछी किस्म की बातें करते हैं, और हमारी बात में वो पाकीज़गी, वो परफेक्शन का लेवल हो ही नहीं सकता. और हमारी हर बात चैलेंजेबल है, अल्लाह की बात चैलेंजेबल नहीं. तो हमने बात की कुरान, कुरानिक लॉज कैन नॉट बी चैलेंज. व्हाई? बिकॉज़ कुरान कैन नॉट बी चैलेंज. व्हाई? बिकॉज़ द पर्सनालिटी हूज वर्ड्स आर देयर कैन नॉट बी चैलेंज. व्हाई? सो बिकॉज़ अल्लाह की किताब हो या अल्लाह की ज़ात हो, दोनों आला और सुप्रीम. जस्ट लाइक we cannot challenge the personality of Allah, similarly we cannot challenge the words of Allah because the words of the creation cannot challenge the word of the creator. Why? Because the creator is supreme and perfect and the creations are not so supreme and they are inferior and they are full of imperfection. So now aapne shayad wo idiom, man is to err, yeah, human is to make mistakes, insaan hai galti ka putla, insaan ne galtiyan hi karte rehni hai, gunah hi karte rehne, tauba karte rehni hai. तो अल्लाह की जात आला, पाकीज़ा, परफेक्ट और सुप्रीम, ऐसे ही अल्लाह की किताब आला, पाकीज़ा, परफेक्ट और सुप्रीम. जैसे अल्लाह की जात को चैलेंज नहीं कर सकते, जिसमें आप लोग इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, नो नेवर, वैसे ही अल्लाह की किताब को भी चैलेंज नहीं करते. समबडी चैलेंजेस द पर्सनालिटी इन द बुक ऑफ अल्लाह, वी से द चैलेंज
the personality and the challenges are wrong because Allah aur Allah ki kitab ko challenge karna mumkin nahi hai. To ye baat jo hai wo usually do ya teen line mein discuss karni hoti hai, is pe lambi guftugu nahi ho pa rahi hoti. Maine to phir bhi bahut lamba karke aapko suna diya. To ab aap likho, isi ke niche likho, ye mat likh dena, ye main mita deta hu. Ye maine aapke reference ke liye likha tha. Main jo point aapko type karke bheja wo likho, discussion on, balki ye likha maine yahan se copy kar lo yaar, maine pehle bhi type kiya hua. ये लिखा ये वाले ये पॉइंट्स कॉपी करो. डिस्कशन ऑन सुप्रीमेसी ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ अल्लाह एंड हिज वर्ड्स. सूरह कमर चैप्टर नंबर 54 है. 54:1 है ना, एक तरबत सात वन शक्कल कमर व्हेन द मून इज क्लेफ्ट असंडर. अच्छा सूरह माउन, आई थॉट यू सेड सूरह मून. सूरह माउन का चैप्टर नंबर 107 है, वर्स नंबर मुझे याद नहीं है. बड़े जल्दी से कॉपी करो. डिस्कशन ऑन सुप्रीमेसी ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ अल्लाह एंड हिज वर्ड्स. दूसरा पॉइंट है, एज अल्लाह इज परफेक्ट एंड सुप्रीम, सिमिलरली हिज वर्ड्स इन कुरान आर परफेक्ट एंड सुप्रीम. When you are done, please type done so that I will move forward. आज होमवर्क देखते हैं, आगे एक लंबा पॉइंट आ रहा है, वो अगर कवर हो जाए तो आज होमवर्क हो जाएगा. आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके आगे पॉइंट्स बहुत आसान हैं और तफसीर का टॉपिक जिसने पढ़ा उसको तो बहुत ही आसान लगेंगे. बट लेट्स सी इफ वी कैन मैनेज टू रीच देयर. इस पूरे वीक का होमवर्क बेसिकली बनेंगे ही दो क्वेश्चंस जो कि पास्ट पेपर में भी हैं और मैं कराऊंगा भी. चलिए सर मैं आगे बढ़ रहा हूँ. अब उम्मीद है कि रिवीजन होने के साथ ये वाला जो पॉइंट मैं पढ़ने लगा हूँ या समझाने लगा हूँ, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा बेहतर जज कर सकते हैं. सो लेट मी जस्ट मूव फॉरवर्ड और लेट्स सी कि आप इनके पॉइंट्स को खुद बता पा रहे. मैं जब सुनाऊंगा आई होप सो कि आपको पहले से ये मामला जो है वो अरे पिछला लगा दे. आप लोग अगला पॉइंट पढ़े, हदीस इज द अथॉरिटी नेक्स्ट टू कुरान. अच्छा एक बात बताओ, चलो जो बच्चे कॉपी कर रहे हैं उनको करने दें. एक बात बताओ, कुरान अगर फर्स्ट सोर्स है तो हदीस को क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे या सेकंड लिखेंगे? हदीस कौन सी सोर्स है? सेकंड है. कुरान फर्स्ट सोर्स है तो हदीस सेकंड है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमने लिखा कि व्हेनेवर वी नीड गाइडेंस वी कंसल्ट कुरान फर्स्ट, तो वही पॉइंट के आगे हम ये ऐड कर देंगे, कुरान डज नॉट ऑफर अस द कंक्लूसिव और द क्लियर गाइडेंस. Then we consult hadith, which is the second source. अच्छा कुरान प्राइमरी है और फर्स्ट है, हदीस सेकेंड सोर्स है. तो हदीस क्या है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है? हदीस सेकेंडरी है या प्राइमरी है? प्राइमरी है ना. तो प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या होता है? प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट सोर्स होती है. ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स होगी तो उसका मतलब वो अकेले लॉ फॉर्म कर सकती है. उसकी एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है. कुरान एक लीगल सोर्स है या इलीगल सोर्स है? कुरान एक लीगल सोर्स है या इलीगल सोर्स है? लीगल है ना. तो एक तुक्का मार के बताएं, हदीस इलीगल सोर्स होगी या लीगल सोर्स होगी? हदीस भी लीगल होगी. तो अगर कोई सोर्स लीगल होगी तो उसकी परमिशन भी होना जरूरी है ना. तो वो जो पॉइंट आपने कुरान का फर्स्ट लिखा है बिल्कुल वैसा हदीस का पॉइंट बनेगा फर्स्ट वाला. अब क्योंकि मैं फ्लो में आने लगा हूं तो मैं पहले आपको ये पॉइंट समझा दूं. हदीस इज अथॉरिटी नेक्स्ट टू कुरान को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सुन लेना. एक बार सुन के याद हो जाता है और रेफरेंस भी बहुत आसान है. रेफरेंस भी एक बार सुनने पर याद होगा और इस बार रेफरेंस मेरे साथ बोलते ही आपने टाइप करना है. लेकिन पहले मैं आपको पूरा पॉइंट समझाऊं कैसे लिखेंगे. व्हेनेवर मुस्लिम्स नीड एनी टाइप ऑफ रिलीजियस गाइडेंस, द वेरी फर्स्ट बुक मुस्लिम्स कंसल्ट इज कुरान. बट इन दोस सर्कमस्टेंसेस व्हेन कुरान डज नॉट ऑफर अस द फाइनल क्लियर और कंक्लूसिव गाइडेंस, देन मुस्लिम्स हैव द परमिशन टू कंसल्ट हदीस एज अ सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग, बिकॉज
Hadith is the second source of Islamic law. Hadith is not only the second source, Hadith is also the primary source of Islamic legal thinking, which means that Hadith is also an independent source, and Hadith is having the power and the authority to establish the new Islamic laws independently. तो जैसे कुरान एक लीगल सोर्स है, हदीस भी एक लीगल सोर्स है, क्योंकि हदीस को की परमिशन अल्लाह पाक ने भी दी, अल्लाह के रसूल ने भी. हदीस की परमिशन के लिए जो सबसे पॉपुलर वर्स है, मैं दो आयतें याद करा रहा हूँ, मेरा बच्चा चौकन्ने होशियार रहना है, एक बार सुनने पे आयत याद होगी और ठकास करके टाइप करके आप मुझे भेजेंगे. सो टू गिव द परमिशन ऑफ हदीस, वंस हजरत द पर्सनालिटी ऑफ अल्लाह स्टेटेड इन सूरह निसा वर्स नंबर 18, Whoso obeys messenger obeys Allah. Whoso obeys messenger obeys Allah. जी, याद हो जाना चाहिए. Whoso obeys messenger obeys Allah. Whoso obeys messenger obeys Allah. थोड़े से होशियार होना चाहिए, क्योंकि ये दो आयतें हमारे पास आर्टिकल्स ऑफ फेथ में भी बहुत यूज होती हैं. तो पहली बार जो सूरा है वो सूरा निसा है, तो कि सूरा का नाम याद होना जरूरी नहीं है. दूसरी सूरा जो है इसके अरबिक और इंग्लिश दोनों याद करते हैं. अब आयतें याद कर ही रहे इतनी अच्छे से, तो अरबिक भी याद करते हैं आज. तो यहाँ पर हमारे पास सूरह तगाबुन की वर्स नंबर 12 में अल्लाह पाक कह रहे हैं, वह अतीउल्लाह वह अतीउर्रसूल, वह एंड को बोलते हैं, अति ओबे को बोलते हैं, अल्लाह अल्लाह को बोलते हैं, वह अतीउल्लाह एंड ओबे अल्लाह, वह अतीउ रसूल एंड ओबे द प्रॉफिट. तो एक तो रेफरेंस हो गया, हुसो ओबेज मैसेंजर ओबेज अल्लाह, ये सूरह निसा थी. अब हम सूरह तगाबुन याद करते हैं, वह अतीउ अल्लाह वह अतीउ रसूल एंड ओबे अल्लाह एंड ओबे द प्रॉफिट, वह अतीउ अल्लाह वह अतीउ रसूल एंड ओबे अल्लाह एंड ओबे द प्रॉफिट. ये भी टाइप करके भेज दो भाई, ताकि आज हमारी चार आयतें हो जाएंगी माशाल्लाह से. एंड ओबे अल्लाह एंड ओबे द प्रॉफिट, एंड ओबे अल्लाह एंड ओबे द प्रॉफिट. लाइट चली गई थी तो बेटा आप रिकॉर्डिंग देख लेना ना, मैं तो वापस ही रिपीट कर सकता हूँ. तो समझाना मैं ये चाह रहा हूँ, कुरान फर्स्ट सोर्स है, हदीस सेकंड है, कुरान प्राइमरी है, हदीस भी प्राइमरी है. कुरान की परमिशन तो है सूरह निसा में, हदीस की परमिशन है, कुरान की परमिशन है सूरह बकरा में, हदीस की परमिशन सूरह निसा में भी है, सूरह तगाबुन में भी है. सूरह निसा में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं हुसो ओबेज मैसेंजर ओबेज अल्लाह, और सूरह तगाबुन में अल्लाह की पाकजात फरमाती है एंड ओबे अल्लाह एंड ओबे द प्रॉफिट. चलो यहाँ लिखना शुरू करो, मैं टाइप करके भेजा हूँ, यहाँ पॉइंट लिखना शुरू करो बेटे. पहला पॉइंट लिखो, सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ. सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, it is second, it is primary, and it is legal. Jaldi, when you are done, please let me know so that we can move on, move forward, move on. To aisa lag raha hai breakup ho gaya kisi ka. सेकेंड सोर्स ऑफ इस्लामिक कर लेना बेटा, टाइपिंग एरर हो गया, इस्लाम लॉ लिख दिया मैंने, आप इस्लामिक लॉ कर लीजिएगा. ठीक है जी, हदीस एक्सटेंड्स कुरानिक लॉज. बेटा सिचुएशन समझना जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन हदीस का आता है,
जिसमें एग्जामिनर साहब कहते हैं कि आप कुरान हदीस का रिलेशन बताओ। कभी क्वेश्चन आता है कि आप सिर्फ कुरान बताओ, कभी क्वेश्चन आता है आप सिर्फ हदीस बताओ। तो मैं आखिरी पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, बेटा हमजा पे छुट्टी दे दूँ, और पता है एक सब ड्राई टॉपिक और टाइम्स अब थक जाता है दिमाग। आखिरी पॉइंट है आज का हमारा, मैं यहाँ पर ऑफ कर दूंगा, फिर कल यहाँ से रिज्यूम करेंगे हम लोग। हदीस एक्सटेंड कुरानी क्लॉज तफसीर में गुजरा है, लेकिन सिचुएशन मेरे साथ डिजाइन करो। जितने भी स्टूडेंट स्क्रीन देख रहे हैं वो वही काम करेंगे जो मैं भी यहाँ पर लिखूंगा। देखो सिचुएशन ये है, यहाँ जो सिचुएशन डिजाइन हो रही है वो ये कि मैंने कुरान पढ़ा, कुरान में एक लॉ मौजूद है, लेकिन उस लॉ की जो डिटेल्स हैं वो कुरान में मौजूद नहीं है। तो वो डिटेल्स मैंने कहाँ पर ढूंढी? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में। अब हदीस में मुझे उस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन भी मिल गया और लॉ भी मिल गया। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन कुरान एंड हदीस। तो अब ये बनाओ पहले सिचुएशन, फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये पास पेपर्स के हिसाब से बहुत क्रूशल जो है स्टेज आ जाती है। यहाँ बच्चे को समझना पड़ता है कि यार द क्वेश्चन द स्टूडेंट हैज बीन आस्क्ड इज इट अबाउट ओनली हदीस और इट इज अबाउट द रिलेशन बिटवीन द कुरान हदीस एंड द प्राइमरी सोर्सेस। तो यहाँ पर जो है वो सवाल अगर समझ में नहीं आया या बच्चे ने इस चीज को कनेक्ट नहीं किया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये जो टॉपिक, ये जो पॉइंट है, ये कुरान हदीस के रिलेशन के बारे में। सो इट एक्सटेंड्स कुरानिक लॉ का मतलब ये कि देयर इज अ लॉ मेंशन इन कुरान बट द लॉ इज नॉट, द लॉ इज मेंशन इन कुरान बट द लॉ इज नॉट फुली एक्सप्लेन इन कुरान। The illustrations, the explanations, or the elaborations are not mentioned in Quran. Then these illustrations, then these explanations, and then these elaborations are provided by the Ahadith or the Sunnah of Hazrat Muhammad peace be upon him. जो लोग बाद में आए हैं उन लोगों को मेरे साथ अभी याद करना है, और वो लोग जो मेरे साथ तफसीर पढ़ चुके हैं उनको यहाँ पर पता है कि at times when the things and the laws which are not conclusively explained in Quran, then they are explained in the Hadith of Hazrat Muhammad peace be upon him. तो यहाँ पर जो है वो अगर हम एग्जाम्पल कोई देना चाहें तो इसकी सबसे नोन एग्जाम्पल जो बनेगी वो बनेगी 2:43। जिस जिसको याद है वो टाइप कर देगा, जिसको याद नहीं है मेरे साथ याद करेगा। अल्लाह पाक 2:43 में फरमाते हैं वाकीम सलाता वातुज़्ज़का एस्टैब्लिश रेगुलर प्रेयर एंड गिव पुअर टैक्स, एस्टैब्लिश रेगुलर प्रेयर एंड गिव पुअर टैक्स, एस्टैब्लिश रेगुलर प्रेयर एंड गिव पुअर टैक्स। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं नमाज पढ़नी है और ज़कात देनी है, तो एट अराउंड 70 टाइम्स इट इज मेंशन्ड इन कुरान दैट वी नीड टू ऑफर प्रेयर। ये लिखा है जी शाम की नमाज मत छोड़ो, सुबह शाम नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने वालों के माथों पे चमकदार निशान है, नमाज पढ़ने ना पढ़ने वालों पे आज़ाम अलीम होगा। लेकिन द मैटर ऑफ प्रेयर इज नॉट मेंशन्ड इन द रेस्ट ऑफ द कुरान। कुरान में 70 बार नमाज का हुक्म है, लेकिन नमाज का तरीका जब कुरान में मौजूद नहीं था तो दैट इज द लॉ, दैट इज द एरिया व्हिच इज स्टेटेड ब्रीफली इन कुरान। And then the explanations are not mentioned, especially the explanations about the method of prayer. Then the explanations of the matter of prayer have been given by the hadith of Hazrat Muhammad peace upon him, in which the Prophet Muhammad peace on said, "Jisko yaad hai wo pehle type kar dega, baaki main yaad karata hoon." Offer a prayer as you see me offering. Offer a prayer as you see me offering. Offer a prayer as you see me offering. So namaz Quran mein briefly hai. उसको एक्सटेंड किया, उस लॉ को एक्सप्लेन किया हदीस ने। सो नाउ दिस इज लुकिंग लाइक एंड दिस इज एग्जैक्टली द रिलेशन बिटवीन कुरान एंड सुन्ना। एट टाइम्स व्हेन कुरान इज मेंशनिंग द लॉज ब्रीफली, हदीस एक्सप्लेन सच लॉज। ऑफर प्रेयर एज यू सी मी ऑफरिंग। ऐसी ज़कात का जिक्र जो है वो कुरान में 32 टाइम्स है, एंड इवन इन सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 60 इट हैज बीन स्टेटेड कि कौन लोग ज़कात ले सकते हैं और कौन मुस्तहिकीन ज़कात हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली the time of zakat is not mentioned in Quran, whether we are supposed to pay the amount of zakat weekly, yearly, bi-yearly, once in a decade, or once in a lifetime. Jab zakat ka time Quran mein maujood nahi tha, the hadith comes forward and hadith explains the timing of zakat by stating when Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, there is no zakat on the one until the year passes over. There is no zakat on the one until the year passes over. इसको याद है जल्दी टाइप करो ताकि मुझे कंफर्म हो, आपको याद है, मुझे आगे दो एग्जांपल्स और बतानी है। There is no zakat on the one until the year passes over. There is no zakat on the one until the year passes over. टेन मार्क्स का आंसर होगा यू शुड बी गिविंग बोथ एग्जाम्पल्स विद कोटेशंस। फाइव मार्क्स का आंसर होगा यू कैन गिव वन एग्जाम्पल विद कोटेशंस। अगर हदीस 2.5 मार्क्स का आंसर होगा तो यू शुड बी गिविंग एग्जाम्पल्स विदाउट कोटेशंस। लेट मी जस्ट रिपीट, 10 मार्क्स का आंसर हो दोनों एग्जाम्पल्स दे दो विद कोटेशंस, 5 मार्क का आंसर हो वन एग्जाम्पल विद कोटेशंस।
जैसे कि आपने लिखा एस्टैब्लिश एग्लोबेरियन गिव पोर टेक्स्ट और आपने खाली प्रेयर को एक्सप्लेन कर दिया, और अगर 2.5 मार्क का आंसर होगा तो आप जो है वो मेरे ख्याल से मोहम्मद अवेज जो है वो ग्रुप से निकलने की तैयारी कर चुके हैं। एक मिनट, आज अवेज आज पहली बार सजा दूंगा। नहीं, अवेज डिजर्व्स अ पनिशमेंट, गिव मी अ सेकंड। अवेज भाई को आज एक्सपेल करूंगा मैं। अवेज जो है वो बदतमीजी कर रहे हैं। अवेज आज की क्लास तो आपकी गई, कल मिलेंगे चलते चलते। चलो अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो अगर 10 मार्क्स आंसर है, 2 एग्जांपल्स विद कोटेशंस, 5 मार्क आंसर है तो 1 एग्जांपल विद कोटेशंस, 2.5 मार्क आंसर है तो एग्जांपल्स एक या दो आपकी मर्जी है, लेकिन कोटेशंस पे लिखने की जरूरत नहीं। Now at times when you are going to, you know, we will be attempting your assessments in your school examinations, कभी कभार टीचर कहते हैं कि बेटा ये तो वही एग्जाम्पल है जो फरखंदा नूर ने भी लिखी है, ये मार्किंग सी में भी लिखी है, तो बेटा एक दो एग्जाम्पल्स और भी आप क्या करो। Now what I am trying to do here is, this is just for the satisfaction of your school teacher. As far as Cambridge Assessment International Examinations are concerned, उसमें जब भी मार्किंग स्कीम आई है दो ही एग्जाम्पल्स डिस्कस हुई हैं, एक नमाज की और एक जकात की। तो अगर कैम्ब्रिज एग्जाम की बात हो रही है तो ये दो एग्जाम्पल्स काफी थी, लेकिन फिर भी सीखने ही नहीं बैठे हुए हैं ना, तो सीखने के हिसाब से एक एग्जाम्पल में मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है ये वाली आयत ग्रेड 9 में मेजोरिटी स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं। तो मैं जरा ये आयत पढ़ने लगा हूं, लेट्स सी आप में से कितने लोगों को ये आयत याद है। Fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you. Fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you. Fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you. आगे का नहीं बताना होता, मुझे पता है आपको आयत पूरी याद है, आपने आगे so you may practice patience, self control. Fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you. रोजा तो नमाज में है, लेकिन रोजे का method तो नमाज में नहीं है। तो रोजे का मेथड तो हदीस में है, हदीस बताती है कि रोजा और फास्टिंग इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ द डॉन एंड दैट इज द टाइम ऑफ सहर एंड इट शुड बी एंडिंग एट द सनसेट दैट इज द टाइम ऑफ द यू नो ब्रेकिंग फास्ट। तो सहरी से शुरू करना है, इफ्तारी पे खत्म करना है। तो अगर मैं इस रोजे का मेथड टॉपिक देखूं कुरान में, बट द मेथड ऑफ द रोजा द मेथड ऑफ फास्टिंग इज नॉट मेंशन इन कुरान, द मेथड इज मेंशन इन हदीस। सो हदीस ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट सहरी, ये हदीस आप याद कर लें, इसमें मैं आपको एक और चीज भी सिखाऊंगा। Prophet peace be upon him said, take a meal a little before dawn because it has the blessings of Allah. Hazrat Muhammad sahab ne kaha ki aapne sehri khani hai kyunki isme barkat hai aur sehri khana ibadat hai. Maze lag gaye khane ka khana ibadat ki baat, pata wo aisa khana jisko khana ibadat hai. Take a meal a little before dawn, dawn dawn Shahrukh Khan wala dawn nahi hai. Take a meal a little before dawn because it has the blessings of Allah. Take a meal a little before dawn because it has the blessings of Allah. Jaldi jaldi type karo ye wali hadith ki likh ke do mujhe jaldi se. Take a meal a little before dawn because it has the blessings of Allah. Take a meal a little before dawn because it has the blessings of Allah. So hadith explain kiya ki you have to start your fasting from sehri, and hadith also explains you need to end your fasting by having a meal called iftari. इफ्तारी के बारे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम की सुनना है। प्रॉफिट ब्रोक हिज फास्ट, ठीक है, याद रखना। उर्दू में रोजा खुलता है, इंग्लिश में ये नहीं लिखेंगे वी आर ओपनिंग आवर फास्ट, आई एम कीपिंग माय फास्ट एंड आई एम ओपनिंग माय, दैट्स नॉट द राइट स्टेटमेंट, ये ऐसा नहीं है। तो इस तरह से तो आप अगर सही आप उर्दू में बोलते हैं मैं रोजा रख रहा हूँ, टुडे आई हैव पुट माय फास्ट, वेयर डिड यू पुट दैट, अंडर द बेड और समवेयर एल्स, तो इंग्लिश में पुट नहीं होता, इंग्लिश में यू ऑब्जर्व फास्ट, यू कीप फास्ट। So, और इंग्लिश में इसी तरह से रोजा खोलने की इंग्लिश जो है वो वी आर ओपनिंग फास्ट नहीं होती है, इंग्लिश होगी वी आर ब्रेकिंग फास्ट। सो ब्रेकिंग की ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक है, तो ब्रोक के बारे में सुने। प्रॉफिट ब्रोक हिज फास्ट बाय हैविंग डेट्स इन ऑड नंबर्स। मोहम्मद नाहियान की एग्जांपल लेते हैं, नाहियान ने रोजा इफ्तार किया, रोजा इफ्तार करके नाहियान ने दो खजूरे खाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाहियान ने रोजा इफ्तार किया बाय फॉलोइंग द सुन्ना ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, लेकिन नाहियान ने एक सुन्ना फॉलो की, ही ब्रोक फास्ट बाय ईटिंग डेट्स इन इवन नंबर्स। इवन नंबर तो मल्टीपल ऑफ टू होते हैं ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, लेकिन प्रॉफिट पीस ऑन की जो सुन्ना है, ही ब्रोक द फास्ट बाय हैविंग डेट्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही एट डेट्स इन ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या है, 1, 3, 5, 7 और 11। अब्दुल अहद खान इज सिटिंग डाउन, he is breaking his fast and he broke his fast by eating one date, he is breaking his fast by eating three dates. To usne ek ya teen khujure khayi hain,
the odd numbers में से कुछ दिखाई, तो congratulations, Abdul Ahad broke his fast by having dates, एक सुन्ना का सवाब मिला, Abdul Ahad broke his fast by having dates in odd numbers, एक और सुन्ना का सवाब मिला, क्योंकि there are few people who make an argument कि ये वाली हदीस थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन obviously यहाँ पर having two choices, एक है खजूर एक खाना, तीन खाना, पांच खाना, एक है खजूर दो खाना, चार खाना, छह खाना, तो आप odd numbers में खा लो, जहां पर थोड़ा सा इशारा है तो हमें लगी जात से उम्मीद है कि सवाब मिल जाएगा। सो हदीस क्या थी, Prophet broke his fast by having dates in odd numbers. Prophet broke his fast by having dates in odd numbers. तो अगर कोई बच्चा ये example लिखना चाहे, देखो ये mandatory नहीं है, मेरे model answer में तुम्हें ये example नहीं मिलेगी, मैं additional पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये pillars of Islam का chapter paper 2 में आएगा, वहाँ ये तीनों reference आपको याद होंगे, क्योंकि fasting के answer में ये तीनों quotation use होते हैं। Fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you. Take a meal a little before dawn because it has the blessings of Allah. Prophet broke his fast by having dates in odd numbers. आखिरी example बता रहा हूँ, लेकिन ये example यूँ समझें out of 100 मुश्किल से जो है वो अल्लाह को भला करे 10 students use करते हैं, पर example बड़ी solid है। 538 में लिखा हुआ है, as for the thief, male or female, चोर औरत हो या मर्द हो, as for the thief, male or female, cut off his or her hands. तो अगर कोई चोरी करे उसकी सजा जो है वो हाथ काट देना है। अब सवाल ये है हाथ कौन सा कटेगा, क्योंकि हाथ तो दो हैं, राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है, तो हदीस ने बताया हिज राइट हैंड शुड बी कट अप टिल हिज रिस्ट, राइट हैंड कटता है लेफ्ट हैंड नहीं कटता। तो कुरान बताता है एज फॉर द थीफ मेल और फीमेल कट ऑफ हिज और हर हैंड्स, हैंड्स का तो मतलब ऐसे लग रहा है कि दोनों हाथ काटने हैं, लेकिन हदीस ने बताया जी नहीं दोनों नहीं एक हाथ कटेगा, एंड दैट शुड बी द राइट हैंड। लेकिन यहाँ पर जो मेरे नोट्स आप खोलोगे तो नोट्स में आपको जो एग्जाम्पल मिलेगी उसकी तफसील कुछ और है। सवाल ये भी है कि किस चोर के हाथ कटेंगे किसके नहीं, मतलब ऑन व्हाट काइंड ऑफ ऑन व्हाट अमाउंट ऑफ स्टीलिंग और थेफ्ट हिज हैंड शुड बी कट, क्योंकि हाथ तो बहुत कीमती है। अब एक लड़के ने बॉल पेन चुरा लिया, बॉल पेन तो होता ही 4-5 रुपए का है, तो 4-5 रुपए का किसी ने बॉल पेन चुराया उसका हाथ कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन ये कुरान में नहीं लिखा हुआ। किसी ने अगर जो है वो आपको भला करे मेरी ये वाली बॉटल की एग्जाम्पल दे सकूं, किसी ने मेरी ये वाली बॉटल चोरी कर ली, ये नाइकी वाली मेरी बॉटल है, अगर ये नाइकी की बॉटल चोरी की और पकड़ा गया तो उसका हाथ कटेगा, शायद हाँ शायद ना, लेकिन ये बात कुरान में मौजूद नहीं है। उसमें लिखा चोरी हो गई उसका हाथ काट दो, पर किसके हाथ कटेंगे, सो उसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, the thief's hand should be cut who stole something which is having the value of a quarter of dinar or more. तो हदीस बताती है हाथ तो सीधा हाथ कटेगा, लेकिन हाथ उस चोर का कटेगा जिसने चोरी की है जो कि कितनी है, क्वार्टर ऑफ दीनार। अब मैंने आज थोड़ी देर पहले गूगल किया तो मुझे पता चला कि गोल्ड दीनार जो होता था वो था 4.25 ग्राम्स का, 4.25 ग्राम्स का अगर गोल्ड दीनार है तो उसका क्वार्टर दीनार कितना होगा, क्वार्टर दीनार बनेगा 1.06 ग्राम गोल्ड। 1.06 ग्राम गोल्ड आज कराची पाकिस्तान में कितने का है, 11,000 रुपए का। किसी ने मेरी ये बॉटल चोरी की हाथ नहीं कटेगा, किसी ने मेरी ये बबल गम चोरी की हाथ नहीं कटेगा, किसी ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया हाथ कटेगा ना भाई, क्योंकि ये 11,000 से ज्यादा है। इसकी मालियत कितनी है, मोर देन क्वार्टर ऑफ द दीनार। क्वार्टर ऑफ दीनार कितना है, 4.25 ग्राम का जो गोल्ड दीनार था उसका क्वार्टर 1.06 ग्राम्स, मतलब पाकिस्तानी रुपयों में 11,000 से ऊपर की चोरी। तो यहाँ पर हदीस कुरान स्टेट्स दैट यू शुड बी कटिंग ऑफ द हैंड ऑफ अ चोर वेदर मेल और फीमेल, लेकिन कौन सा हाथ, उल्टा या सीधा, सीधा, दैट इज मेन बाय द हदीस और इट इज नॉट मेंशन इन कुरान। एंड कितनी चोरी पे हाथ कटेगा, इट शुड बी आइटम्स ही स्टोल एंड द आइटम्स दैट वर यू नो टेकन अवे इन थेफ्ट दे शुड बी इक्वलेंट और मोर देन द वैल्यू ऑफ द क्वार्टर ऑफ दीनार। दीनार क्या है, 4.25 ग्राम्स का एक गोल्ड का जो दीनार यानी सिक्का है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं, इसमें से अगर 10 मार्क्स का आंसर है दो एग्जांपल्स विद कोटेशन, 5 मार्क का आंसर है वन एग्जांपल विद कोटेशन, 2.5 मार्क का आंसर है तो दो तीन जितनी भी एग्जांपल देनी है विदाउट कोटेशन आपकी अपनी मर्जी चलेगी। किसी ने एक तोला स्टील किया ना, अदीना साहिबा का अच्छा सवाल है, अदीना इज वेरी नाइस क्वेश्चन बाय द वे। अदीना कह रही है किसी ने 10 तोले चोरी किया, बेटा 1 तोला इज 11.664 ग्राम्स, तो यहाँ पर ग्राम्स जो है वो कम होते हैं तोला ज्यादा होते हैं। तो किसी ने अगर 2 ग्राम चोरी किया जो कि तोला का भी क्वार्टर, क्वार्टर तोले पे भी जो है वो उसका हाथ कटेगा, तोला इज मोर देन 11 ग्राम्स। और हम जब बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर 1 ग्राम गोल्ड की बराबर की चोरी पे जो है वो हाथ काट दिया जाएगा। लिखो पॉइंट, यहाँ हमारा आखिरी पॉइंट है, फिर हम छुट्टी कर लेंगे और हम यहाँ कल से रिज्यूम करेंगे। मुझे थोड़ा सा एक बच्चे के मैसेज से फील आई कि आप लोग थक चुके हैं।
मैं जो पॉइंट टाइप करके भेजा हूं वो लिखना है, लिखो। When Quran states laws briefly, Hadith na Sunnah, Prophet Muhammad, peace upon explain them, pehla point hai. अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे 6 बज गए, जबरदस्त। मोहम्मद अय्यान, आर यू टॉकिंग अबाउट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नोटबुक, तो पेजेस ना छोड़ो। आप जो होमवर्क बाद में करना है, पहले वाला होमवर्क बाद में कर लेना, उसकी सीक्वेंस जरूरी नहीं है। और अगर आप वर्कबुक की बात करें तो वर्कबुक तो वैसे ही पेजेस में स्टार्ट होती है। आज हमने पेज नंबर 11 से काम शुरू किया, जिसमें यू हैव मिस्ड द वर्क ऑफ 10 पेजेस। जी देखो मोहम्मद एहसन, आप कह रहे हो 11,000 की कम की चोरी पे गुनाह होगा। देखो लिसन, व्हाट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर इज द हद। नाउ हद इज द पनिशमेंट, सो देयर आर एट टाइम्स अ पर्सन इज डूइंग अ क्राइम, जिसकी जो सजा क्या है, ही शुड बी सीकिंग रिपेंटेंस एंड ही शुड बी यू नो पेइंग अ सॉर्ट ऑफ पेनल्टी और समथिंग, और ही शुड बी इम्प्रिजन्ड और समथिंग लाइक दैट। लेकिन इफ इज द हद जारी हो रही है, when the hud is being jari, when the hud is being executed, when the hud is being imposed, it means that a person is given a public punishment. तो हद का मतलब होता है पब्लिक पनिशमेंट। पब्लिक पनिशमेंट कब होगी इसको, जब इसने 11,000 से ऊपर की चोरी की। अब ये प्राइस चेंज होती रहेगी, याद रखना, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू चेंज हो रही है। आजकल तो गोल्ड और ऊपर जा रहा है, समय 1,25,000 से भी ऊपर पर तोला गोल्ड हो चुका है। तो यहाँ पर हद जारी हो रही है, और 1,25,000 का मतलब ये कि आजकल आपके रेट के हिसाब से 12,500 हो चुका है गोल्ड के हिसाब से। अगर कराची में देखें तो 12,500 का 1 ग्राम आएगा, या 13,000 का 1 ग्राम, 1.06 ग्राम आएगा। तो यहाँ पर जो है गुना भी होगा, सजा फिर भी होगी, लेकिन सजा हाथ काटने की नहीं होगी, रिपेंटेंस होगी, माफी होगी, कोई पेनल्टी होगी, वो चीज वापस देनी होगी, या शायद उसका हर्जाना ही होगी, उसके ऊपर डबल चीज होगी, जो भी काजी या जज फैसला करेगा। लेकिन यहाँ पर बात ये कि उसका हाथ काटने की हद पब्लिक पनिशमेंट कब होगी, व्हेन ही स्टोल समथिंग व्हिच इज इक्विवेलेंट और मोर देन क्वार्टर ऑफ दिनार, दैट इज अ गोल्ड ऑफ 4.25 ग्राम्स। दीना, अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग के लिए ऐसा होता है कि इस तरह से आपके पास एक ईमेल आई होती है, ये लिखा हुआ खुर्रम हुसैन शेयर्ड अ फोल्डर, तो ऐसी एक रिकॉर्डिंग होगी मेरा बच्चा दीना, वो आपके पास ईमेल पे आया होगा। अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने कल भी हमें ज्वाइन किया उनके पास भी ईमेल आ चुकी है, तो आपने यहाँ जाके इस्लाम ये लिखा हुआ खुर्रम हुसैन ने फोल्डर शेयर किया, आप इस्लाम स्केच पे जाके जो है वो टैप कर दोगे या क्लिक कर दोगे। टैप करोगे या क्लिक करोगे तो मेरे पास लॉग इन हुआ है, लॉगिन होगी, मेरे पास ये वाली पिक्चर आ गई। लेकिन आप जब टैप या क्लिक करोगे तो आपके पास बोलेगा ईमेल लिखो, ईमेल वही होगा जिस ईमेल का आपको ईमेल एड्रेस पे आपको ये रिसीव हुआ, नहीं आपका ईमेल एड्रेस आएगा जिस पर आपने ये ईमेल रिसीव किए, जिससे आप जूम में रजिस्टर हुए हैं। और उसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद अगर वो कोड मांगे तो कोड आपके इनबॉक्स में आया होगा या आपके स्पैम या जंक ईमेल में आया होगा। उसके बाद जब आप कोड डालेंगे आपको ये पेज मिल जाएगा, इसमें लेक्चर्स में जाएंगे तो ये रिकॉर्डिंग सारी मौजूद है, कंपाइलेशन ऑफ कुरान तक की। आज की रिकॉर्डिंग अभी नहीं, मंडे को ही हो पाएगी, सोर्स सामिक में भी प्राइमरी सोर्स खत्म नहीं हुए। और अगर आप चले जाओगे लेक्चर्स में तो पीडीएफ फॉर्म में आपके पास ये लेक्चर्स मौजूद हैं, जो कि पॉइंट्स में आपको क्लास में लिखवाता हूँ। ये तरीका है मेरा बच्चा रिकॉर्डिंग जो है वो ढूंढने का, रिकॉर्डिंग तक पहुँचने का। जी वानिया बेटा, क्लास ऑफ हो गई, यू गाइस में लीव, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। मारिया मसूद बेटा, ईमेल आएगी उसमें, मारिया मसूद चली जवाब देना चली गई। टेन मार्क्स का क्वेश्चन होगा, दानियल टू एग्जांपल्स विद कोटेशंस।
अदीना आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स कैसे मिलेंगी। वन ड्राइव का एक्सेस चाहिए आपको और उसके लिए ईमेल, अगर आपने आज ही ज्वाइन किया है तो फिर ईमेल आपको कल सुबह 11 बजे के बाद आएगी। केस तो फिर भी बनेगा मोहम्मद अमान, 3,310 रुपए चोरी करने पर भी केस बनेगा। अच्छा तुम तो मोबाइल 3310 बोल रहे हो, नोकिया लिखो ना, नोकिया 3310 चोरी करने पर। पता नहीं 3310 कितने का आता है, लेकिन मोस्ट लाइकली अब तो यूनिक एंटीक पीस हो गया, वो हो सकता है 11,000 से ज्यादा हो। पुराने सोर्स की सेकंड बुलेट दिखा दें प्लीज, ये लीजिए सेकंड बुलेट, पुराने सोर्स का सेकंड बुलेट पॉइंट मेरा बच्चा ये रहा। अशमल पॉइंट्स मैंने लास्ट लिखवाए, ये पॉइंट्स आपको वहां लिखने थे ना, हदीस इज हदीस एक्सटेंड्स कुरानिक लॉज। मुनीर अहमद, ये हदीस जो आप बता रहे हैं, हुसो ओबेज माई कमांडर ओबेज मी, हुसो डिसओबेज माई कमांडर डिसओबेज मी, ये लॉ पॉलिटिकल है तो, लेकिन दिस इज द लॉ फ्रॉम हदीस। हम तो कुरान का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, तो कुरानिक लॉ लिखना है, पॉलिटिकल लॉ, पॉलिटिकल लॉ मेंशन इन कुरान। That's why I asked you guys to mention 4:59, in which Allah mentions, Allah states, Allah says, oh you believe, obey Allah, obey the Prophet and those who are in authority. तो ये वाला law, ये हदीस आ सकती है और जगह पर, यहाँ नहीं, क्योंकि ये law of हदीस है, it's not the law of Quran. Abdul Aqeel Khan, I'll try to read your मैसेजेस, बहुत सारे होमवर्क आ गए हैं यार, चेकिंग बहुत मुश्किल होती है। वानिया, यस्टरडेज रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड विद यू गाइस इंशाल्लाह ऑन मंडे, मंडे को शेयर करूंगा। नहीं इब्राहिम, कटिंग हैंड वाला लॉ पाकिस्तान में फॉलो नहीं होता। साथ से देखिए ब्लैक एंड व्हाइट थ्रेड वाली प्रॉफिट की वर्डिंग सही है। हाँ 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 वो वाली, अच्छा वो थ्रेड के बारे में था कि इतनी रोशनी हो जाए कि तुम जो हो धागे का कलर, वो मैं देखता हूँ बेटा, वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ हदीस। हाँ हाँ वो थ्रेड के बारे में थी एक हदीस, मैंने भी सुनी थी, वो उसके कलर का अंदाजा होने लगे कि एक जो थ्रेड जो है ये वाइट है या ब्लैक है। तो अगर रोशनी होगी तो थ्रेड वाइट नजर आएगा, रोशनी नहीं होगी तो ब्लैक नजर आएगा। सो आई विल सी दैट हदीस एंड आई विल लेट यू नो, मुझे अभी वो याद नहीं है मेरे बच्चा। चले मैं भी थक गया, मैं भी जा रहा हूँ, आप लोग भी जाएं, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे मैसेज आए हुए, जी मोहम्मद बिलाल फहमी, आप बाइजेंटाइन और पर्शियन एम्पायर की बात कर रहे हैं। कुमार वाज बैटलिंग एंड ही वाज फाइटिंग वॉर्स, तो ऑब्वियसली जो उसकी जो इनिशिएशंस थी वो हेराक्लेस की तरफ से थी, फ्रॉम रोमन एम्पायर, who actually initiated fighting against Muslims from the time of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and at times when it was the time of Abu Bakr Siddiq at Syrian frontier, at the borders of Syria and Madi Arabia, वहाँ से जो है वो Romans ने बदतमीजियाँ करना शुरू की थी, और फिर it kept on going obviously because they kept on you know reinvading and getting their lands back, जिनको Romans बोलते हैं जो कि Byzantine troops थे, and from the Persian side it started when the person by the name of Khosrow Pervez was the emperor of Persia, he told Prophet's letter, तब जंगी नहीं हुई, लेकिन बैटल सब स्टार्ट हुई जब हजरत अबू बकर सिद्दीक वाज फाइटिंग अगेंस्ट द अपोस्टेट्स इन द प्लेस कॉल्ड बहरीन, और बहरीन में व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट द अपोस्टेट्स हु केम अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द इस्लामिक एम्पायर, उधर पर्शियन ट्रूप्स ने अपोस्टेट्स की हमारे अगेंस्ट मदद की, एंड द पर्शियन ट्रूप्स जिनको ससानिस बोलते हैं, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट अस। पेपर और सिलेबस का क्वेश्चन है, इसी में तफसील से आपको जवाब दे रहा हूँ। तो पर्शियंस इनिशिएटेड वॉर एंड देन वी फॉट अगेंस्ट देम, fought against the Sassanids in Iraq and Persia and the other parts of Persian Empire, and the Roman Emperor who was called Caesar of Roman Empire, Heraclius, he initiated fighting against from the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Umar ne to un tamam wars ko jo hai wo continue kiya hai,
लेकिन ये वॉर्स जो स्टार्ट हुई हैं रोमन्स के अगेंस्ट प्रॉफिट के दौर से ही और पर्शियंस के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द रूल ऑफ फर्स्ट कैलेट ने मास्टर वॉर से दिख रही है आइदर केसेस दे मेड एन अटैक फर्स्ट अलीशा राशिद कोड की स्पैम में भी नहीं आ रही कोड मांग भी रहा है या नहीं मांग रहा आप पासवर्ड डाल लो बेटा अलीशा पासवर्ड डालो मैं आपको करके दिखाता हूं देखो आपसे पहले मैंने किया भी था ये इस तरह से आएगा ना ईमेल एंटर करें ईमेल एंटर करने के बाद जो है नेक्स्ट विंडो पे आपसे कोड मांग रहे हैं या पासवर्ड मांग रहे हैं यहां पासवर्ड आएगा मुझसे तो कोड नहीं मांगता पहली बारी की बात वहां पे दोबारा ट्राई करें बेटा मैं क्या कर सकता हूं मैं आपको अलीशा अगर ये फर्दर अटेम्प्ट की बात भी ना हो तो प्लीज सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप मैं आपको फिर हमारे आईटी हेड का नंबर दूंगा एंड यू नीड टू स्पीक टू हिम ही'ल देन हेल्प यू आउट इंशाल्लाह ये तो बिल्कुल ही निराला आप मामला बता रही हूँ कि कोड क्यों नहीं आ रहा स्पैम के अलावा जंक ईमेल भी होती है जी उस्मान मैंने अर्तुगरुल के पांचों से सीजन देख लिए अलीशा बेटा अब स्पैम जंक बाकी सारी ईमेल्स में देखो आउटबॉक्स में तो नहीं जा सकता मोस्ट लाइकली मिल जाएगा इंशाल्लाह नूरुलर्स ये नहीं लिंक सस्पिशियस इसलिए उसको लग रहा है कि वो रेगुलर वेबसाइट का लिंक नहीं है वन ड्राइव का है लेकिन प्लीज प्रोसीड इवन मैंने आवाज ओपनिंग है तो मुझसे भी ये बोल रहा था लेकिन ऑब्वियसली इट्स गोइंग टेकिंग मी टू माय ईमेल इनबॉक्स तो इट इज सस्पिशियस फॉर द ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द एंटायर वायरस ऑफ समथिंग लाइक दैट लेकिन इट इज नॉट सस्पिशियस ट्रस्ट मी यू विल इंशाल्लाह इवेंचुअली रीच टू द इनबॉक्स आई एम गोइंग टू शेयर वन ड्राइव का जो इनबॉक्स आप वहां पहुंचोगे इट इज सस्पिशियस दैट्स फनी अशमाल कह रहे हैं मेरा होमवर्क चेक कर लें उमेर क्या पूछ रहे हो व्हाट शुड आई टेल यू टेल मी व्हाट तुम्हारा आखिरी मैसेज जल्दी बताओ क्या पूछ रहे हो फिर मैं मीटिंग एंड करूं अभी तक तो मैं आई एम नॉट रिमूविंग दीज रिकॉर्डिंग्स तो आराम से सुकून से आई कैन अंडरस्टैंड कि एक दिन में बंदा एक ही रिकॉर्डिंग बर्दाश्त कर सकता है तो अभी मैं नहीं हटा रहा रिकॉर्डिंग्स पूरा चैप्टर जब हो जाएगा फिर अगर हटाने लगूं पूरा चैप्टर एक साथ ही रिमूव करूंगा तो बता दूंगा कि भाई अब ये चैप्टर रिमूव कर रहा हूं फिलहाल मेरे पास स्पेस 1 TB की है वन ड्राइव में सो स्पेस का भी इशू नहीं है पड़ी है हमारी रिकॉर्डिंग तो मुझे क्या तकलीफ है कि मैं हटा दूं ठीक है बेटा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू